Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहले इसकी कहानी सुनाता हूँ, फिर पढ़ेंगे, पढ़ने को तो पूरा साल है। सो श्रेयांश तिवारी, सिक्स्थ अटेम्प्ट, बीपीएससी मेंस फ्रॉम 12th ऑफ जनवरी शायद, है ना, 12th, 13th, 15th और 16th। सो ही वाज वेरी क्लोज स्टूडेंट ऑफ माइन, सो ही गॉट अ कॉल ऑन आई थिंक 6th ऑफ जनवरी अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock और 7:30। ही कॉल्ड मी 3 times, एज ऑलवेज आई डिडंट पिक। He called me again at 9 o'clock or something. तब भी मैं सो रहा था. Again I didn't pick. Then he dropped me a message कि सर medical emergency है, please pick. Then I called him back at I think 9:15 or 9:30. He was crying. Family में कुछ issue था, शायद father साहब हैं नहीं इनके, uncle का कुछ kidney transfer या something का case था. So he wanted to consult. He was confused between 2 hospitals, Delhi में. कि किस में दिखाएं, एक में 25 lakh cost कर रहा था, एक में 17-18 lakh cost कर रहा था something. Anyways, the purpose of sharing this incidents with you is कि 12th से मेंस था और 6th तक इसकी ये सिचुएशन थी. इट मीन्स यू कैन सक्सीड एंड यू कैन फेच बिहार पीसीएस और एनी पीसीएस और यूपीएससी में रैंक इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर फेसिंग. तो होता है ना थोड़ा बहुत, सर आजकल तो ओल्ड राजेंद्र नगर का खाना खराब है, पानी नहीं आता है, लैंडलॉर्ड का इशू है, ये हो गया, पर्सनल इशूज और फैमिली इशूज, बेटा ये सब एक्सक्यूजेज ही होते हैं बस. नो दिस चैप क्रिएटेड अ हिस्ट्री, एमपी से है और बिहार पीसीएस का रैंकर है. देर आर वेरी वेरी रेयर ओकेजन्स इन विच सम कैंडिडेट स्कोर्ड फर्स्ट रैंक इन सम अदर स्टेट इन द स्टेट पीसीएस. सो वो जो एक्सक्यूजेज हैं उसको 1-2 साल के लिए साइड रख दो. इफ ही कैन फेच फर्स्ट रैंक, ही वॉज वन अमंग यू ओनली. ये इकलौता बच्चा था जो शॉर्ट्स में आता था बस, ही वॉज फेमस फॉर दिस. Anyways, so you can also fetch, but just you have to do is just work hard, yaar. Sixth attempt में motivation को continue करना अपने आप में major problem रहता है. This is his sixth attempt, UPSC का mains दिया, हो जाएगा इसका, इसके लिए. But yes, anyways, अब चलते हैं economics में. Start करते हैं the orientation of economics. First, let's understand. हाँ, I want to share my background also with you. That I'm a software engineer. Did my engineering from AIT Pune. And then worked with some software company for a few years. Worked with the government also, various departments. So in all these economics classes, because majority of the phobia that candidates have is with economics. The first thing that that they share with me is, sir, economics ka background nahi hai. Beta, mera bhi nahi hai. This is the common thing between me and you is. So don't say ki economics ka background nahi hai, isliye economics ke concept samajh mein nahi aate hain. इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं बिकॉज उस पर आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया. जब हम टाइम इन्वेस्ट कर देंगे तब समझ में आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल सब्जेक्ट. इट्स लाइक मैथमेटिक्स, वो प्लस टू वाले लेवल तक का. वंस यू नो दैट वट इज मॉनिटरी पॉलिसी, द टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया. वंस यू अंडरस्टैंड वट इज फिस्कल मैनेजमेंट ऑफ सेंटर, फिस्कल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना चल रहा है, जनरल गवर्नमेंट का कितना चल रहा है, बजट की वैल्यू कितनी है, वर्ल्ड जीडीपी की वैल्यू कितनी है, इंडियन जीडीपी की वैल्यू कितनी है, इन अ कंटेक्स्ट, देन इट विल बी वेरी सिंपल टू यू नो इन प्रीलिम्स 2020 यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व मोर देन 50 राइट क्वेश्चंस. 50 ही आता है इन विच यू विल बी 100% श्योर कि ये 50 तो ठीक हो गया. उसके बाद अपने को लेना है गैस, कैलकुलेटेड रिस्क. सो फॉर सम 20-25 क्वेश्चंस यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. दिस इज मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू. मे बी सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर एबल टू गेट 35, सम आर एबल टू गेट 40 or 45, 100% श्योर क्वेश्चंस. उसके बाद में 2 स्टेटमेंट आता है और थर्ड स्टेटमेंट तो पता ही नहीं है. इन सच केसेज यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क और नेगेटिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा. दैट फर्स्ट वाला स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट 100% नॉट करेक्ट है. फिर वो ए बी सी डी में 2 में अटक जाओगे. 1 ओनली होगा एंड 1 and 3 ओनली होगा. यहाँ पे फंस जाओगे. इसमें होगा 1 ओनली एंड सेकेंड वी हैव इज 1 and 3 ओनली. अब वहाँ पे आपका इंट्यूशन काम आएगा, सेकेंड नॉलेज काम आएगा, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे.
in prelims 2019 the various questions in which the secondary knowledge which comes, jaise ek NIIF ka fund ka pehle previous year ka 18-17 ke question bata da hu. NIIF value is 4 lakh crores. Ho hi nahi sakta if you know that the total budget of central government is 20-25 lakh crore ke aaspaas. Usme maximum jo expenditure hai वो है इंटरेस्ट पेमेंट 4.5 लाख करोड़. इसका मतलब गवर्नमेंट के नॉट हैव इनफ फिस्कल स्पेस टू क्रिएट ए फंड ऑफ 4 लाख करोड़. इवन इफ यू डोंट नो कितना है, 4 लाख करोड़ तो नहीं है. एक कोई क्वेश्चन आया था साइंस एंड टेक का दैट पीएसएलवी वाला ये C-31 का वेट है सम 2000 kg. तब तक तो हमारे पास क्रायोजेनिक नहीं था, इसका मतलब पीएसएलवी से गया होगा. पीएसएलवी का जुगाड़ पीएसएलवी एक्सएल एक्स्ट्रा जो बूस्ट मोटर लगाते हैं उसमें मैक्सिमम वेट इज 1800 kg. इसका मतलब 2000 तो नहीं हो सकता, भले कितना भी वेट हो, 1600 है, 1650, 700. दिस एलिमिनेशन टेक्निक यू हैव टू यूज फॉर दिस 20-25 क्वेश्चन. उसके ऊपर तो सब तुक्का है, बस अटेम्प्ट के लिए अटेम्प्ट करते हैं 75-80 के बाद तो. एनीवेज, दीज टेक्निक्स वी आर गोइंग टू मास्टर स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स. लॉट ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन दे आस्क्ड कि ज्वार का एरिया इज मोर देन द ऑयल सीड्स इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. सच टाइप ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन दे स्टार्टेड आस्किंग इन प्रीलिम्स. लास्ट ईयर दे आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ विद द सेकेंडरी नॉलेज वी कैन अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस. कमिंग बैक टू द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, सो फर्स्ट वी हैव इज द इट इज बींग रिगार्डेड एज द कॉमन डिनोमिनेटर. सो बी इट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिव, ब्रेन ड्रेन थ्योरी हिस्टोरिकल वाले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से लेके एट प्रेजेंट वी हैव ज्योग्राफिकल. सो इन ज्योग्राफी आई थिंक लास्ट ईयर दे आस्क्ड द क्वेश्चन दिस वन, कैन द स्ट्रैटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्सेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज द मेन्स वाला क्वेश्चन, हेल्प इन प्रमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन विच वे वी कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेट दिस कंसेप्ट विद द रीजनल रिसोर्सेज. रीजनल रिसोर्सेज आपको मिलेगा ज्योग्राफी से, वेर एवर नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स वाले कंसेप्ट से. सो इट इज अ मर्जिंग ऑफ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, बट दे आज इन जीएस पेपर 1. सो अनलेस एंड अंटिल यू नो हाउ टू रिजॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. सो वंस यू नो द वेरियस पैरामीटर्स थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, सो स्किल डेवलपमेंट करना है, रीजन बेस्ड करना है, कनेक्टिविटी करना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस करना है एटसेट्रा, देन ओनली वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. अदरवाइज जेनरिक चलेगा और 80-85. नेक्स्ट वी हैव इज वेरी हाई कन्वर्जन रेशियो इन इकोनॉमिक्स. हाउ मेनी क्वेश्चन यूपीएससी आस्क फ्रॉम इकोनॉमिक्स, कितना पूछ रहा है आजकल? Roughly 17-18 से लेके 25 के बीच में है द एवरेजेस. सो वी हैव, वी कैन से 18-25 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कुछ तो हाईली फैक्चुअल पूछ लेगा, जैसे लास्ट ईयर पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द एसेट्स ऑफ द बैंक. सो वेरी सिंपल, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस, एंड देन सम ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग सम कंसेप्चुअल वाला विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. लास्ट टाइम व्हेन यूपीएससी फोकस्ड अपॉन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स वाज इन 2013. उसके बाद से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा कम हो गया. एनी टाइम दे कैन रिवाइव, जस्ट लाइक दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री. लास्ट ईयर भी पूछा, इस साल भी पूछेगा, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर भी पूछेगा. 3 साल का एवरेज चलता है. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज इट इज बीइंग रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स, बट द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बैंकिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. व्हाट आर द एसेट्स ऑफ बैंक, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द बैंक. सो व्हेन वी से सपोज दिस इज द बैंक गेव अ लोन टू ए एंड देन बैंक टुक अ लोन फ्रॉम बी, सो दिस इज फ्रॉम बैंक्स पर्सपेक्टिव दिस इज बीइंग रिगार्डेड एज द लायबिलिटी. फ्रॉम बैंक पर्सपेक्टिव अ लोन गिवन टू ए इज बीइंग रिगार्डेड एज द एसेट. इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आया. व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज एसेट्स ऑफ द बैंक. सो इफ दे आर गिविंग इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वो भी एसेट हो गया बिकॉज यहां से उसको कुछ रिटर्न मिलेगा, मे बी 4%, 8%, 10%. व्हेन दे गेव अ सिंपल लोन टू ABCD, वो भी होगा. व्हेन दे गेव अ लोन टू द गवर्नमेंट, स्टिल बीइंग रिगार्डेड एज द एसेट. दे तीन स्टेटमेंट था. चौथा था डिपॉजिट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, सो इट मीन्स दिस बिकम्स द लाइबिलिटी. वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. अगेन आई एम टेलिंग यू, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट इन UPSC. वंस द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, वेरी सिंपल है यार. देखो, आई वर्क विद इन्फोसिस फॉर 2 years एंड देन वर्क विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. स्टिल आई थिंक सो आई नो ठीक ठीक सा इकोनॉमिक्स. एग्जाम पास कराने लायक तो आता है. नेक्स्ट वी हैव इज द न्यूज पेपर एनालिसिस. हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट रीडिंग द बिजनेस पेज? रिवर्स पूछते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू रीड द बिजनेस पेज?
ठीक है 1 2 3 4 वो नज इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया था ना, राइट क्वेश्चंस पूछो, थोड़ा नजिंग करोगे तो ठीक हो जाएगा. सो जो नेगेटिव बेस्ड अप्रोच में चलता है उसको पॉजिटिव में ले जाओ. सो आई आस्क द राइट क्वेश्चन. हाउ मेनी सो वी हैव 5 6 क्यों नहीं पढ़ते भाई, बाकी समझ नहीं आता, सिंपल सा क्वेश्चन है. अनलेस एंड अंटिल वी अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स कि हाउ इफ इफ देयर इज सम आर्टिकल व्हिच इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट डिक्रीज इन द जीडीपी एंड इफ दे कंपेयर प्रेजेंट डिक्रीज इन जीडीपी विद चाइना. So unless and until we know how the economy of China works, we are not going to read it because we are not going to understand it. How in present economic slowdown is different from 2008. How present demonetization is similar to 1978-79 wala. So unless and until these basic concepts are clear, we are not going to read it. It's a very very simple. जैसे sports page नहीं पढ़ते, जो favorite sports है वो पढ़ लिया, बाकी सब छोड़ दो. अब तो UPSC भी नहीं पूछता है. So for the newspaper analysis, देखो ये सब छोड़ दोगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि बस मेंस में अपन ये इस रेंज में आएंगे 80-90, दैट्स इट. उससे ऊपर नहीं आने वाला है GS3 में, और GS2 में भी कम स्कोर रहेगा, GS1 में भी कम स्कोर रहेगा, बिकॉज देर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन UPSC मेंस पेपर. दे आस्क द क्वेश्चन ऑन GST इन GS paper 2, दे आस्क दिस क्वेश्चन, ये जो पुराने वाला बताया मैंने, दिस इज फ्रॉम द GS paper 1. So unless and until we are sure what are the ways through which we can increase employment in India, or when we are going to discuss job to people, people to job wala concept, etc. Unless and until we are going to write such keywords, phir 80-85 pe hi khel rahe honge apan. Next we have relevance in prelims. So I already shared we have roughly 18-25 questions in prelims. Then relevance in mains, both GS, SA, optional paper we have is plus qualifying paper mein bhi aata hai ek essay 100% economics ka, both in Hindi as well as in English. Next is the highest weightage in the interview. When I say highest weightage, it means from the current affairs. 50% questions roughly they ask from DAF and 50% questions from economics, from current affairs. In these current affairs, roughly 50% weightage is from economics. Then we have 20-25% social issues, 10-15% international relations, or baki sab mood of the board we have. So this is what the rough relevance of economics in various parts of the UPSC paper. Next we have is anybody having 2020 as the first attempt? अरे बाप रे, बहुत बच्चे हैं तो. How many if you have never read economics before? It means कोई क्लास नहीं लिया, कुछ बुक वुक भी नहीं पढ़ा. Okay, journey is a bit difficult. Now the question is, this was the question they asked I think in GS paper 3 this year. इसी साल के पेपर डिस्कस करते हैं. डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टडी जीडीपी ग्रोथ रेट एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकॉनमी इन गुड शेप, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट. दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली बिटवीन हाउ हाई जीडीपी प्लस लो इन्फ्लेशन हैज बेनिफिटेड इंडियन इकॉनमी. सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरियस इंप्लीकेशंस ऑफ इन्फ्लेशन. So you need to remember how inflation is related to various macroeconomic indicators of the economy. So what are the various macroeconomic indicators? Macroeconomic indicators wo hota hai which is responsible for maintaining the stability of the economy. So we have banking, for example, is there. Now banking can be further related to. So if I say inflation, iske kuch kuch ke acronym bana lenge apan. So that if the question is related to FDI क्यों नहीं आ रहा इंडिया में, सेमी पॉइंट्स होएगा. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों नहीं आ रहा इंडिया में, सेमी पॉइंट्स होएगा. एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज करना इंडिया में, सेमी पॉइंट रहेगा. सो दिस वेरियस डायमेंशंस फॉर एग्जाम्पल विच आई क्रिएटेड फॉर इन्फ्लेशन इज BSE इन म्यूचुअल फंड. आप इसके मल्टीपल डायमेंशन निकालने हैं बस अपन ने. फर्स्ट B इज फॉर द बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग इन द सेंस इफ देर इज वेरी हाई इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी, इट मीन्स बैंक विल नॉट बी एबल टू लैंड, प्लस कॉर्पोरेट्स आर नॉट गोइंग टू बोरो बिकॉज बैंक्स विल लैंड एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. उसको भी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाना है. सो फर्स्ट इंप्लीकेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन इज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द बैंक्स. सो कॉर्पोरेट्स विल टेक लेस लोन. व्हेन कॉर्पोरेट्स विल टेक लेस लोन, इट मीन्स दे विल नॉट डू द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा. ये हो गया वन डायमेंशन. सेकेंड डायमेंशन इज द बैंक क्रेडिट इज गोइंग टू डिक्रीज. When there will be less bank credit, it means एक तो citizens को loan नहीं मिलेगा, फिर MSMEs को loan नहीं मिलेगा, फिर NBFCs को भी loan नहीं मिलेगा. So bank credit growth is going to decrease further. Next we have more stalled projects.
बिकॉज कॉरपोरेट्स का कैश फ्लो नहीं आएगा, देन ट्विन बैलेंस शीट का इशू हो जाएगा एटसेट्रा. सो हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन कम्स अंडर दिस बैंकिंग वाला पर्सपेक्टिव. सेकेंड कैन बी दिस एस और द वेरियस सेक्टर्स वी हैव द इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द वेरियस सेक्टर्स. थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी. सो इम्प्लीकेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन ऑन एग्रीकल्चर, बिकॉज इन एग्रीकल्चर वी हैव वेरी लेस पर कैपिटा इनकम ऑफ एग्रीकल्चर इज देयर. इंडस्ट्री में तो फिर भी ठीक है, लोन कम मिला तो नेक्स्ट ईयर लोन ले लेंगे, बट एग्रीकल्चर के केसेज में वी हैव द कैश फ्लो इज वेरी लो. द पॉवर्टी इज कंसनट्रेटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. प्लस एग्रीकल्चर वाले के पास थिन फाइल क्लाइंट्स है, उसके पास इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी भी तो नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न तो होगा नहीं उसके पास. इट मीन्स इफ बैंक विल नॉट लैंड, मनी लेंडर विल नॉट लैंड. इफ मनी लेंडर लैंड्स तो 60% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा. इट मीन्स द इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एग्रीकल्चर, इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द सर्विसेज सेक्टर. तो ये हो गया एस, इट मीन्स सेक्टर्स. नेक्स्ट सी इज फॉर द करंट अकाउंट डेफिसिट. सो व्हेन आई से करंट अकाउंट डेफिसिट, इट मीन्स इन्फ्लेशन का रिलेशन विद एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी एंड द फर्दर इम्प्लीकेशन ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग्स, इंक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द इम्पोर्ट इलास्टिसिटी बिकॉज वी हैव टू इम्पोर्ट. यूजली द रिलेशनशिप इज कि वेन रुपी डेप्रिशिएट्स, यूजली वॉट हैपन्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ता है और इम्पोर्ट कम हो जाता है. ठीक है, दिस इज इन जनरल वी कैन से. याद नहीं रहता तो चाइना से रिलेट कर लो, हम पढ़ेंगे इसको, बट समटाइम्स यू हैव टू यूज कॉमन सेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. सो चाइना पे मेजरली यूएसए एंड ऑल दे आर लेबलिंग ना दैट चाइना इज इंटेंशनली डेप्रिशिएटिंग द करेंसी टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट. ये तो हो गया याद करने के हिसाब से. सो व्हेन इंडियन रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, इट डेप्रिशिएटेड, अर्लियर इट वॉज 65, 66, 67, नाउ इट इज 73, 74. सो इट मीन्स तो हमारा इम्पोर्ट तो कम होना चाहिए, बट ऐसा तो हुआ नहीं. नहीं हुआ ना, इंपोर्ट बिल तो इंक्रीज हो रहा है. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ अ कंसेप्ट नोन एज इन इलास्टिक इंपोर्ट. इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि इफ यू हैव द ऑप्शन टू परचेज दिस एंड दिस, इफ द प्राइस ऑफ दिस थिंग इंक्रीजेज, यू विल शिफ्ट फ्रॉम कंजम्पशन बास्केट और कंज्यूमिंग दिस टू दिस, इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट. प्रॉब्लम इज that these two things are not complementary to each other. In case of import, you have to import crude oil, उसका तो कुछ alternative ही नहीं है. So if the price becomes $70 per barrel or $120 per barrel, you have to purchase it. So if there is no alternative of your import basket, इसका मतलब import कम नहीं होगा. This is a unique case in terms of India. Now this becomes very difficult in the questions. In UPSC sometimes they ask, with respect to India, consider the following statements. And sometimes they ask, consider the following statements. So usually if the statement is, what is the relationship between appreciation and depreciation of currency with exports and imports? And statement one says it increases, it decreases. Now the answer of this question is difficult for economics perspective, and answer of this will be difficult from Indian economy perspective. So वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा question में कि with Indian economy पूछ रहा है या फिर in general पूछ रहा है, because the answer is totally different. Some, I think in 2014, 15 or 16, sometimes they ask, with respect to Indian economy, why Indian government is borrowing? And then they give 3-4 options, paisa return karne ke liye, printing of currency ke liye, etc. So you have to highlight this particular concept also, that they are asking with respect to India, or in general they are asking. So ye inflation ka impact ho gaya, appreciation, depreciation pe, then we have करंट अकाउंट डेफिसिट पे, एंड सी आई डी इज ऑल्सो बींग रिगार्डेड एज अ इकोनॉमिक पैरामीटर जिसके बेसिस पे फॉरन रेटिंग एजेंसीज आपको रेट करते हैं एटसेट्रा. देन वी हैव इज एफ इज फॉर द फिस्कल मैनेजमेंट इज देयर, दिस एम इज फॉर द मॉनिटरी पॉलिसी. सो मॉनिटरी पॉलिसी में आर बी आई विल इंक्रीज रेपो रेट, डिक्रीज रेपो रेट एटसेट्रा. एंड वेन द फ्लो इज, यहाँ पे आर बी आई होता है, यहाँ पे बैंक्स होते हैं, एंड यहाँ पे मी एंड यू गाइज होते हैं, इट मीन्स इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स एटसेट्रा. इफ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ द बैंक डिक्रीजेज, इट मीन्स इफ द आर बी आई डिक्रीजेज रेपो रेट, सो फाइनली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा. इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इट मीन्स आर बी आई विल इंक्रीज रेपो रेट, बैंक अपना रेट इंक्रीज करेगा, आपका ई एम आई इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज वट द इम्प्लीकेशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्फ्लेशन टूवर्ड्स द मॉनिटरी पॉलिसी वी हैव. एंड लास्ट वी हैव इज द फिस्कल मैनेजमेंट. So when I say fiscal management, it means for both center as well as fiscal management for state.
इसमें आते हैं टैक्स रेट कितना रखना है आपको, जीएसटी का इम्प्लीकेशन इस पर आएगा एटसेट्रा. इसमें आता है सेविंग्स इन द इकोनॉमी कितना है. अगर सेविंग्स इन द इकोनॉमी आर नॉट गुड, बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. अगर सेविंग्स ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा. व्हाट इज द व्हाई वी नीड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, क्या होता है उससे, कैसे डेवलपमेंट, कैसे, वो तो ठीक है रटा हुआ है डेवलपमेंट, बट कैसे, तो एम्प्लॉयमेंट तो फिर सेकेंडरी है. डायरेक्टली क्या होता है कि व्हेन वी हैव मोर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी लीड्स टू व्हाट, क्यों सर्विस नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब तो मुझे सेकेंड लेवल बता रहे हो कि यहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद कुछ हुआ और उसके बाद ये सब बेनिफिट बता रहा तुम, ग्रोथ हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया एटसेट्रा. ये क्या है, ये व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, स्टेबिलिटी. वो भी आउटकम है फाइनल, कॉम्पिटिटिवनेस. कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है कि जिस रेट पे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसी रेट पे वो प्रोडक्ट बना रहा है, इज नोन एज कॉम्पिटिटिवनेस. तो वो भी सेकेंडरी तो हुआ, इट डिमांड इन्वेस्टमेंट से. कैसे, ये इन्वेस्टमेंट तो तभी आया जब सेविंग्स आया. सो इफ यू हैव 100 रुपीज इन योर वॉलेट, यू हैव टू ऑप्शन, या तो सेव कर लो या फिर कंज्यूम कर लो. कंजम्पशन मीन्स डिमांड. तो अगर सेविंग ही कर दिया तो डिमांड कैसे बढ़ाओगे, वो तो बढ़ेगा ही नहीं. लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, वो लिक्विडिटी को ही तो पैसा कहते हैं. लिक्विडिटी इज नथिंग बट जितना मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, उसको लिक्विडिटी कहते हैं. नहीं नहीं ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन ये मिस कर रहे हो अभी भी यहाँ. फिर अरे एम्प्लॉयमेंट कैसे, इन्वेस्टमेंट आया बैंक में, अगर 5 लाख करोड़ आ गया तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्या तुम्हें, वो तो जब फर्म आपको एम्प्लॉयमेंट देगी तब मिलेगा ना. फर्म कब देगी, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. नई नई मशीनरी परचेज करेगा विच आर मोर प्रोडक्टिव, मोर टेक्नो सेवी होगा, इट मीन्स मोर प्रोडक्टिव. सो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकॉनमी. और जैसे ही प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकॉनमी, इट मीन्स फॉर बोथ, कैपिटल का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, इट मीन्स मशीनरी एटसेट्रा, एंड मी एंड यू गाइस का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा बिकॉज हम मोर स्किल्ड होंगे. So more skilled means more productive we have is. So it increases productive capacity of the economy, which ultimately makes your product more competitive. Extra competitive होगा, it means firm का profit ज़्यादा होगा. Firm का profit ज़्यादा होगा फिर वो आगे जाके expand करेगा. Expand करेगा तो more people को hire करेगा, it means more employment etc. and all. So investment directly leads to increase in the productive capacity of the economy, and then we have all these benefits are there. So ये हुआ. F is for the fiscal management, saving, saving से investment, investment से productive capacity of the economy, and then we have the other benefits are there. So this is what the implication of inflation on and GDP on the various parameters. So once we know कि inflation impacts all these parameters, फिर तो question simple है. फिर तो the question is not at all difficult. That do you agree with the view that the steady GDP growth rate and no inflation have left the Indian economy in the good shape? उसके बाद एक और static concept आता है. That the evolution of GDP and inflation. So, ये last year भी पढ़ाया था. That if we will consider कि before 2008 crisis क्या चल रहा था, after 2008 crisis क्या चल रहा था, and when the मोदी साहब came उसके बाद क्या चल रहा था. So the relationship between GDP. So वो historical evolution कर लेते हैं हम. 2008 से पहले क्या था, 2008 से 12 के बीच में, व्हेन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था, 2012 से 14 में क्या था, और डायरेक्टली अब लास्ट ईयर तक तो रिलेवेंट था बिकॉज इलेक्शन नहीं हुआ था. सो 12 से लेके 18 कर लेंगे, एंड मोर आफ्टर 2018 क्या क्या चल रहा था, कब इन्फ्लेशन ज़्यादा था, कब जीडीपी ज़्यादा था, कब बैंक क्रेडिट कितना चल रहा था एटसेट्रा एंड ऑल. सो दिस क्वेश्चन बिकम्स सिंपल इफ यू नो दीज बेसिक्स. देन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव इज, ये फर्स्ट वाले का डायग्राम है, हाउ इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू द बैंकिंग, हाउ इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, हाउ इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू द करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल मैनेजमेंट, एज वेल एज द डेफिस फिस्कल मैनेजमेंट एंड फॉरन आउटलुक ऑल्सो वी हैव. कि इफ इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो एफ डी आई कम आएगा बिकॉज नेट रिटर्न कम हो जाएगा, क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज हो जाएगा कंट्री का. वेन क्रेडिट रेटिंग डिक्रीजेस, सिबिल स्कोर सुना है कुछ, इंडिविजुअल्स को मिलता है. सो इफ योर सिबिल स्कोर इज लेस, इट मीन्स बैंक्स विल नॉट लेंड टू यू,
The same is happening with respect to the countries. If their credit, sovereign credit rating is less, either they will not get a loan, or if they are allowed to take a loan, the rate of interest will be very high. वो उसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन होगा. मूडी ने डिक्रीज किया था लास्ट ईयर. देन वी हैव आवर इमेज और आवर वोटिंग राइट्स इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जैसे IMF में इंडिया का कितना परसेंटेज है, वर्ल्ड बैंक में कितना है, एटसेट्रा एंड ऑल. सो इफ वी हैव लेस इन्फ्लेशन, वी विल हैव गुड आउटलुक ऑफ इंडियाज इकॉनमी, विच विल इंक्रीज आवर वोटिंग परसेंटेज इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. Then the second question was, can the strategy of regional resources based manufacturing help in promoting the employment in India? In such questions, you just have to list down the various regional resources based economy and how they are increasing the employment. There should be one-to-one relationship between the points which you are going to write for this strategy. First strategy, second, third, four, five, six, and how they are increasing the employment in India. Simple sa question hai, if you know that the various parts of increasing the strategies. First one is, if you have the regional based manufacturing, it means cost of production kam hoga, wahin pe raw material hai, wahin pe produce kar rahe ho, transportation cost decrease ho gaya, infrastructure lay down ka cost decrease ho gaya, cost of electricity, cost of all road, all sub decrease ho gaya. It means the cost of production decreases, it means profits increases. Economies of scale वहीं पर कराओगे, it means employment increases. So first benefit of a strategy of using the local resources is increasing the profit margins, ultimately increasing the employment. ये याद रखना, in such questions you have to ultimately shows how it is increasing the employment. जो भी point लिखो, how it is increasing the employment. Second we have is, if you have the regional resource based manufacturing. So manufacture तो आपने यहाँ पर कर लिया, गाजियाबाद में कर लिया, बट मार्केट तो नहीं है गाजियाबाद में. इट मीन्स यू हैव टू रिलेट दिस रीजनल रिलेटिवली बैकवर्ड रीजन टू सम मार्केट. इट मीन्स इट क्रिएट्स बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, बिकॉज ट्रांसपोर्ट करके तो लेके जाओगे आप. सो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस इट क्रिएट्स. फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर में यू आर प्रोड्यूसिंग सम पेरिशेबल आइटम्स ऑल्सो. सो रीजन बेस्ड में पेरिशेबल आया, फिर एग्रो फॉरेस्टिंग किया, प्लस उसमें इन्वेस्टमेंट किया, प्लस after processing now you can sell to either Delhi or something, or you can exports also. It means to agriculture to the agro food processing industries you can generate. Second in terms of, for example, one more example is iron. Iron se steel industries karoge, and from steel industries it can go to the construction we have, even you can export also auto industries and all. It means if you have a regional resource based manufacturing, it leads to forward and backward linkages, and dono se hi you are increasing the employment from this also and from this also. Next we have is, if you have the regional resource based manufacturing, it will increase investment in that area. And when you have more investment in that area, in which all fields you are increasing the investment? Road pe karoge, connect hona hai, because it is manufacturing. Service hota to road is not required, or physical movement is not required. In terms of the services sector, wahan pe ek room liya, usme electricity connection liya, BPO khol liya, service based ho gaya. But yahan to manufacturing hai. It means something tangible you are creating, so usko sell bhi karna padega. It means you require road, water supply, health, market, etc., which ultimately increases the employment. Next resource, regional resource based manufacturing for employment is the, you are going to absorb the local people, because daily kahan se leke aaoge, 50 km, 60 km, 70 to koi aayega nahi. It means you are going to hire the local population. Ab local mein you will either get the skilled or semi skilled or unskilled. It means from the economy perspective you are increasing the skill set of the economy. Maybe after 2 months, 3 months, 4 months, so what company kya karega, in house training provide karega, and then you are going to use these people. It means it is going to increase the skill set of the existing workforce, which ultimately increases the employability. It means employment hoga. Next impact of regional resources based manufacturing is local branding or GI tag, because local based manufacturing karoge jo local resources mein milega, we have it. So for example this pashmina ho gaya, dazzling tea ho gaya, etc. and all, which increases international demand, aur fir supply chain banega, fir employment badhega. And last we have is, it boosts to the local entrepreneurship also. So this is how, ye employment wala bhul jao, this is how the strategy of the regional resource based manufacturing. Now, अब सपोज करो एक क्वेश्चन आता है दैट वेदर वी शुड अडॉप्ट चाइना का मॉडल या इंडिया का अपना इंडिजिनियस मॉडल. इंडिया का इंडिजिनियस मॉडल क्या था, या क्वेश्चन आता है गांधी वाला मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिएगा, यही तो है वो. फॉर ईच एंड एवरी सच क्वेश्चन इन विच दे आर फोकसिंग अपॉन दैट वेदर गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ पॉलिसी इन विच
people to job. It means you are forcing tier 2 and tier 3 people to come and work in tier 1 city. ये वाला मॉडल अच्छा है या फिर दूसरे वाला मॉडल अच्छा है जिसको बोलते हैं जॉब टू पीपल, इन विच यू आर क्रिएटिंग अ टाइप ऑफ जॉब विच इज गोइंग टू द पीपल. सो फॉर ऑल सच क्वेश्चंस दिस बिकम्स द आंसर. फर्स्ट आएगा कि टीयर टू टीयर थ्री में करना है तब भी सेम होगा, गांधी वाला मॉडल करना है तब भी सेम होगा, हाउ चाइना का मॉडल अडॉप्ट नहीं करना तब भी सेम होगा. फॉर ऑल सच क्वेश्चंस माय फोकस इन माय क्लासेस फॉर मेंस पर्सपेक्टिव इज टू फोकस अपॉन दीज जेनरिक पॉइंट्स विच वी कैन यूज थ्रू द कस्टमाइज्ड फॉर्मेट. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा 5-10% भी आ रहा है तो ठीक है, इतना बहुत रहता है भाई. चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा ट्रिक्स ट्रिक्स, देखते हैं इकोनॉमिक्स वाला कैसे सॉल्व करेंगे. दीज आर रफ क्वेश्चंस विच यूपीएससी हैज आस्क्ड. सो रफली अर्लियर दे वर आस्किंग सम लेस क्वेश्चंस, नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन बोथ फैक्चुअल ऑल्सो. बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे लास्ट ईयर में, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एंड देन द कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑल्सो. रफली वी कैन से फ्रॉम लास्ट फ्यू थिंग्स दैट इज 18 से लेके और 25 क्वेश्चंस के बीच में दे आर आस्किंग. सो व्हेन आई हैव प्रीलिम्स वाला, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर स्टेट्स बिकॉज. अब यहाँ गड़बड़ हो जाता है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अगेन विच आई आस्क्ड यू कि इन्वेस्टमेंट से कुछ होता है और उसके बाद कुछ होता है, एंड ऑल ऑफ यू आर फोकसिंग अपॉन दिस. मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स दे अटेम्प्टेड फर्स्ट वन बिकॉज पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट पॉवर्टी इज अ डिराइव्ड आउटकम ऑफ समथिंग. And that something is the second statement that the standard of living is different in Tripura with respect to Delhi. इसीलिए तो CPI अलग अलग बनाते हैं, CPI state इसीलिए बनाया, इसीलिए MG Narega की wages अलग अलग है, इसीलिए national level पे common wage नहीं बन सकता है because the standard of living is different. और देखिए तो इसीलिए GST का rate different है, that the threshold, right? वैसे तो 20 lakhs है, 20 से नीचे exempted है, but hilly areas में 10 lakh rupees है because वहाँ standard of living अलग है. So the same we have that the question for this particular majority of the students they put ki poverty rates vary from state to state, which is true. This is, but out of these four points, this is more correct option. First option is correct. We are not saying that this is wrong option, but poverty is an outcome of different price level. Poverty kya hota hai? How much money you have and you don't have the purchasing power to purchase this thing. Because the price of this pen is different in different states. So first statement is correct, but more correct option we have is the price level varies from state to state. वैसे simple ही question है, it's not at all a difficult question. If you have any doubts, you can ask me, ठीक है? Because there is a concept known as opportunity cost. सुना है? Attempt किया होगा, last to last year में आया था. क्या होता opportunity cost? The cost of the second best option. तो यहाँ का second best option क्या है? नीचे चाय पीना, क्या नाम है उसका, अनिल की शॉप पे बंद हो गई क्या उसकी शॉप? अनिल वो उधर वाले उसमें था, उसने बहुत IAS बनाया भाई. एनीवेज, सेकंड क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years. ये बिना सर्वे के तो नहीं होगा, सर्वे की क्लासेस में बैठोगे क्रैम करोगे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है. मैंने हम बिना नॉर्मल क्लासेस में कितना होगा कि राइस का प्रोडक्शन इंडिया में कितना है और वीट का प्रोडक्शन इंडिया में कितना है, कितना है रफ रफ पता? राइस इज मोर या वीट इज मोर? राइस इज मोर. कितना होगा? व्हाट 150-160. तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बन गया भाई, तुम बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस. हाँ सेकंड वो तो मुझे भी पता है, आई जस्ट आस्क्ड यू इट्स वैल्यू. अच्छा, मोर देन 100 मिलियन टन्स या लेस देन 100 मिलियन टन्स? मोर देन 100 मिलियन टन्स, 110 के आसपास में. सो मोर देन 100 इज राइस एंड लेस देन 100 इज वीट. 98-99 है, 100 से कम याद रख लेंगे. यूजली राइस राइस बासमती राइस एंड ऑल बहुत सारा होता है, तो राइस इज मोर देन वीट भी है. प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम क्या होता है कि वेन वी आर कंसिडरिंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन इंडिया, और चाइना का प्रोडक्शन कितना है राइस और वीट का? दोनों हमसे ज्यादा है, एक 130 है और एक 140 के आसपास में. बट द प्रॉब्लम इज दे आस्क्ड अबाउट द एक्सपोर्ट. सो व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट द एक्सपोर्ट, वी हैव द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इज इंडिया एंड इन टर्म्स ऑफ वीट द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट इज रशिया. पॉपुलेशन भी तो है चाइना की,
खुद ही कंज्यूम कर जाता है मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स. सो दीज फैक्चुअल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन द इकोनॉमिक सर्वे वाला या एग्रीकल्चर वाला ओनली. इसमें वो बहुत सारा कॉमन सेंस और रिस्क विस्क नहीं चलेगा, ये क्राइम ही करना पड़ेंगे हमें सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन. एनी वेज कर लेंगे बढ़िया. ये कौन आ गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, द मनी मल्टीप्लायर इन द इकॉनमी. बहुत सालों से नहीं पूछ रहा था मनी मल्टीप्लायर पे, M0 क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, एक्सपेक्टेड था, पूछ लिया. डेट द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकॉनमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग. अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, सुना है किसी ने? ये पढ़ा था RBI गिविंग अ लोन टू द बैंक एंड देन दिस बैंक कैन लैंड टू ए. सपोज देर इज अ कॉर्पोरेट इन्फोसिस का एम्प्लॉय है ए, तो इन्फोसिस ने ए के बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, 50,000 की सैलरी है उसका, उसने 50,000 में से कुछ 30,000 विड्रॉ किया और उसने एक्सेप्ट ORN लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. यहाँ तो कैश चलता है. सो इफ ए इज ट्रांसफरिंग 30K इन somebody else बैंक अकाउंट, तो ये बैंक बी हो गया. नो, इस बैंक ने किसी और को लोन दिया बी को, अब बी ने किसी और बैंक में कुछ डिपॉजिट कराया 10K समथिंग, फिर उसने किसी और को लोन दिया, फिर वहां से चलता गया. वट एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग, दैट द एक्चुअल अमाउंट दैट इज 50K इज कन्वर्टिंग इन टू 50K प्लस 30K प्लस 10K प्लस 10K एंड ऑन. वर्चुअली बन रहा है ना, बट बन तो रहा है. That 50K is being taken by the A person, A is depositing in some other bank, then B is depositing in some other bank and all these things. Now this is known as the money multiplier thing. Now it depends upon what? It depends upon one simple thing. How much money we are depositing here? Agar A ne sab kuch consume hi kar liya, to A ne to kuch deposit karaya hi nahi. Iska matlab money multiplier to kuch bana hi nahi economy mein. So the economies in which there is less saving habits, उसके केसेस में मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है. एंड कंट्रीज लाइक चाइना इन विच दे हैव द सेविंग्स रेट वेरी हाई, वहां पे मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होती है. इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर. इट मींस द वर्चुअल करेंसी विच यू आर क्रिएटिंग विद अ डिपॉजिटेड फंड ऑफ इन दिस केस ओनली 50,000 रुपीज. सो वो 100 रुपीज अगर इकॉनमी में न्यू आया, एक्चुअल में कितना बना उसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर. इन केस ऑफ इंडिया दिस फिगर इज रफली 5.5 के आसपास में. सो इफ RBI प्रिंट्स द करेंसी, एक्चुअल में वो 550 रुपीज बन जाता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन. अगर बैंकिंग हैबिट नहीं है, USA इकॉनमी बन गया तो यहीं पे बंद हो गया ये साइकिल, और जैसे ही ये साइकिल यहां बंद हुआ, इट मींस नो लेस वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर. इट मींस इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मनी मल्टीप्लायर. डिटेल में अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे. एंड वी हैव वेरियस वेरिएबल्स थ्रू विच यू आर मेजरिंग इट. M0 से करते हैं, M1 से करते हैं, M2 से करते हैं, M3. ये कॉमन है, इकोनॉमिक सर्वे में बड़ा आता रहता है M3 की वैल्यू कितनी है. M3 शोज कितना लिक्विडिटी है इकॉनमी, कितना पैसा चल रहा है इकॉनमी में. ये इंडाइसेस के डायरेक्टली क्वेश्चन दे देंगे, क्रैम करने का है इस पर कुछ नहीं है. बहुत सालों से पूछ रहा है, मैं 2-3 साल से कह रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन आने बंद हो जाएंगे, हमेशा पूछ रहा है. इस बार भी यही कहूँगा, गिव लेस फोकस, तुम अपना पढ़ लेना, बिकॉज पूछ तो रही है, वो पढ़ना तो पड़ेगा ही. इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी टू आस्क सच फैक्चुअल क्वेश्चंस. नेक्स्ट वी हैव इज अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन. सबको पता है नीति आयोग में आता है टिंकरिंग लैब अटल वटल सब करके. अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हेन आई से सिंपल क्वेश्चन, इट मीन्स इफ यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू मेक सच क्वेश्चंस रॉन्ग. ये दिस इज नॉट अ मिस्टेक. इफ दिस सच टाइप ऑफ, इफ यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ सिन, पाप है वो, मिस्टेक नहीं है वो, पाप किया तो पेपर पास नहीं होगा उसमें. फिर दिस इज वेरी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच क्वेश्चंस. नहीं नहीं, सुसाइड अभी नहीं करेंगे, उसका बाद में है. अभी सुसाइड पुराने ऑफिस में करा देते हैं, उसकी छत थी ना, अभी यहाँ कहाँ गिरोगे. नेक्स्ट वी हैव इज विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया. ये यूजली हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. एनी वेज कॉमन सेंस से हो जाएगा. लैंड रिफॉर्म्स के टाइम पे यू वॉन्टेड, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस पीपल वॉज देयर. सो लैंड सीलिंग, लैंड टेनेंसी एटसेट्रा, 3 टाइप्स के रिफॉर्म्स थे, डिस्कस करेंगे. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर. नेक्स्ट वी हैव इज कोल सेक्टर.
हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैंग्स ऑफ वासेपुर देखनी है। वो एसपी सिन्हा का टाइम याद है, उसमें इंदिरा गांधी की स्पीच आई थी, याद था, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल का, याद है या नहीं है? तो पेपर पास नहीं होता ऐसे, सीरियसली नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसे याद होगा? इंदिरा गांधी के टाइम आया, राजीव गांधी के टाइम आया, हाउ कैन यू क्रैम इट टू द कॉमन सेंस? वो रिटेंशन ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसका स्पीच है ना पूरा, 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स तक का, एटसेट्रा एंड ऑल। सो कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंदर इंदिरा गांधी, ये तो करेक्ट हो गया भाई मूवी से। इट मीन्स ये दो तो रॉन्ग हो गए। सेकेंड स्टेटमेंट इज नाउ द कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड टू द लॉटरी सिस्टम, ये तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा तो स्कैम हुआ है 1.8 लाख करोड़ का, वो स्कैम था फर्स्ट कम फर्स्ट सर बेसिस का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर कैन नॉट बी रिप्लेस बाय लॉटरी बेसिस, सो इट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज 100% रॉन्ग। ये भी पढ़ा था कोल नेशनलाइजेशन हो गया है, अभी कोल नेशनलाइजेशन के बाद अब प्राइवेटाइजेशन भी हो गया है, नेशनलाइजेशन के बाद आपने सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड को दिया, कोल इंडिया लिमिटेड का कैपेसिटी इतना नहीं था, विच फोर्स्ड इंडियन पावर प्रोड्यूसर्स टू इंपोर्ट अ लॉट ऑफ कोल, सो अवर ऑल द वी हैव अ लॉट ऑफ रिजर्व्स ऑफ कोल, बट ईदर द क्वालिटी इज नॉट गुड और इट वॉज बिकॉज ऑफ द जुडिशियल इंटरवेंशन, दिस सेड कोल ब्लॉक्स का अलोकेशन कैंसिल कर दिया। अब पावर सेक्टर को तो कोल चाहिए, कहाँ से आएगा? इम्पोर्ट करेगा, सो इट इंक्रीज आवर इम्पोर्ट बिल बाय 18,000 करोड़ इन 2012-13-14 के टाइम पे, विच फोर्स द गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज कोल सेक्टर। इट मीन्स नाउ डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल एज द इंटरनेशनल प्राइवेट प्लेयर्स, दे कैन कम, दे कैन गो फॉर द बिडिंग एंड दे कैन एक्सट्रैक्ट द कोल। दिस हैज बीन अमेंडेड इन द कोल बिल। एनी वेज, वो नहीं भी पता तो कॉमन सेंस से हो जाएगा कि लॉटरी बेसिस तो आएगा नहीं, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर क्वेश्चन हो गया, करेक्ट। सो वी हैव वन ओनली बिकॉज सेकेंड इज 100% रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग हुआ तो वन ओनली बच गया। सो एक दो मूवीज और देखेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगेन इसको सॉल्व कराना मुश्किल था, मैंने क्लास में कवर नहीं किया था ये बिकॉज इट वॉज अ बिट ऑफ आउट ऑफ करंट अफेयर्स का टॉपिक, बट ये कॉमन सेंस से हो सकता है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाया था ये कि whenever we have in case of the whenever the economy they shift from less efficient towards the more efficient ways of production, पहले 70s में 50s में 60s में the efficiency was not very good, now the efficiency is very good, when we say efficiency इट मीन्स मेजरिंग एफिशिएंसी इन बोथ टर्म्स, एक तो ह्यूमन रिसोर्स कितना स्किल है और कितना स्किल नहीं है, और दूसरा कैपिटल, इन विच ऑल सेक्टर्स यू आर इन्वेस्टिंग दिस कैपिटल, इफ यू हैव 4,000 करोड़ रुपीज, वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, एक बेकार सी मशीन परचेज करने में या एक प्रोडक्टिव मशीन परचेज करने में, सो इट मीन्स इट शिफ्ट फ्रॉम इन एफिशियंट ह्यूमन रिसोर्स एंड इन एफिशियंट कैपिटल टू मोर एफिशियंट ह्यूमन रिसोर्स एंड मोर एफिशियंट कैपिटल, यहाँ पे शिफ्ट होता है। सो वेन आई एम सेइंग एफिशियंट ह्यूमन रिसोर्स, इसका मतलब क्या होगा? हायर एंड फायर पॉलिसी, राइट जॉब फॉर द राइट पीपल, इफ शी इज नॉट स्किल्ड कंपनी इज गोइंग टू फायर हर, वेरी सिंपल लॉजिक। तो वहां पर सोशल सिक्योरिटी नहीं चलता है। यूजली इफ यू हैव टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इकोनॉमी, तो आप क्या करोगे? पहले तो हायर एंड फायर पॉलिसी करोगे, विच विल फोर्स द लेबर फोर्स टू अपग्रेड इट्स स्किल सेट, ऐसे ही होगा वरना कैसे होगा? एंड वंस यू आर स्किल्ड पीपल, वंस द इकोनॉमी हैज बीन इंप्रूव्ड, फिर आप सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दोगे सबको, ऐसा ही होता है। इफ यू विल से यूएसए ब्राजील, इफ यूएसए यूके फ्रांस जर्मनी, वहां सब में एक वेल डिफाइंड सोशल सिक्योरिटी है बिकॉज द कंट्रीज आर डेवलप्ड। इंडिया के केस में कुछ उल्टा हो गया, इंडिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सो हमने इतने स्ट्रिक्ट लेबर फोर्स बना दिए दैट कॉर्पोरेट्स वर नॉट एबल टू फायर द पीपल, तो इनएफिशिएंसी कंटिन्यू होती चली गई, इट बिकम्स। सो नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन द लेबर फोर्स फॉर एग्जाम्पल, सो वट यू रिक्वायर इज अलाउिंग द कॉर्पोरेट्स टू ईजिली फायर पीपल, बट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सम सोशल सिक्योरिटी। सो वो देता है, वो एम जी नरेगा से उसने कुछ कुछ करना ट्राई किया है, बट एम जी नरेगा इज अनस्किल्ड, बट एम जी नरेगा मीन्स यू विल गेट 100 डेज का वर्क। इट मीन्स दिस इज वट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर रिफॉर्म्स इज, that you should allow the corporates to fire people if they are not efficient, and the government should provide the fixed social security. Ab yahi hai this particular thing which can be solved through the common sense, that
एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट रूल्स. इसका मतलब कुछ तो नया लेके आए हैं ये. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ रूल्स फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इंप्लीमेंटेड इट बिकम्स ईजियर फॉर द फर्म्स एंड कंपनीज टू ले ऑफ द वर्कर. यही तो रिफॉर्म चाहिए, वही तो नहीं हो पा रहा है. दिस इज फर्स्ट थिंग कॉमन सेंस इज इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. द सेकेंड वन, नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ द टेम्परेरी वर्कमैन. वो भी चाहिए. दिस सेंस इज द कॉमन सेंस. सो कॉमन सेंस से आफ्टर अटेम्प्टिंग 75 क्वेश्चंस आई सजेस्ट यू यू कैन गो फॉर सच क्वेश्चंस. उससे पहले नहीं, 75 से पहले नहीं, पहले जितने आते हैं वो सब कर लो. बट आफ्टर 75 इफ यू वांट टू अटेम्प्ट 85 तो ये 75 से 85 की रेंज वाले में क्वेश्चन आ जाएगा. बट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस ओनली एंड ओनली इफ यू हैव सच इन्फॉर्मेशन. अगर ये इन्फो नहीं है तो गेस फेल हो जाएगा. If you have that background of knowledge, then you can attempt such questions. Fixed technical word hai, unless and until we have the fixed term or ad hoc basis ke worker hota hai. Ek contract worker hota hai, aur contract ke baad bhi, contract worker mein kya hota hai? There is a contract which we are signing. Contract ke baad mein aate hai, ye temporary work mein. Ye daily labor wala aata hai na, dihaadi mazdoor jisko kehte hai, wo wala hai. दिहाड़ी मजदूर, टेम्परेरी वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एंड देन वी हैव द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट. व्हेन यू आर जॉइनिंग एनी इन्फोसिस या समथिंग लाइक दिस तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में आएगा. बोलो. करेक्ट है. अरे तो 3 महीने का नोटिस ही तो देना है. अब आप नोटिस देके दिखाओ. अभी आप इफ यू हैव टू ले ऑफ मोर देन 300 पीपल कैन यू सैक देम. एग्रीमेंट भी है, सब कुछ है. If you are signing, if you have to sack 300 people, can you sack them? नहीं भैया, इंडस्ट्रियल एक्ट लगता है आपके ऊपर. You have to take the permission of the state government. तो हो ही नहीं सकता. So even contract है, temporary है, fixed term है, कुछ भी है. Now तो at present the labour reforms are so stringent that the corporates cannot lay off such people. वो आप lay off कर ही नहीं सकते हैं because in the act it is mentioned. Industrial Policy Act में mentioned है कि आपको you have to take the permission of the state government because labour state list में आ जाता है. Contract में कुछ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कुछ रिफॉर्म्स में स्टार्ट किए हैं, जैसे राजस्थान ने किए, यूपी ने भी किया है. कैसे किया? इफ समथिंग इज मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड वी हैव, उसमें होता ना एक वो प्रेसिडेंट वाला, इफ समथिंग इज देयर इन द कंकरेंट लिस्ट, सॉरी इफ समथिंग इज मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट हुज रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवरकम द अदर वन, सेंट्रल गवर्नमेंट, अनलेस एंड अंटिल प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल रहा है स्टेट लॉ को. सो स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट एक्सेंट ले लिया राजस्थान के केसेस में, यूपी वाले केसेस में. सो वहां पे चल रहा है उनका, बट हां वैसे नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव इज सर्विस एरिया अप्रोच. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली कॉमन उससे ही निकल जाता है. व्हाट इज द लीड बैंक स्कीम, क्या होता है ये? सुना है लीड बैंक स्कीम? बहुत पुराना है यार. देखो व्हाट यू सर्विस एरिया अप्रोच क्या होता है, सुना? एक एरिया आइडेंटिफाई कर दिया, उसमें आपको सर्विस प्रोवाइड करानी है. सो आपने एक नोडल इंस्टीट्यूशन को डेजिग्नेट कर दिया. से वी हैव नोडल एनजीओ, सो वी हैव नोडल ऑफिसर अप्रोच. इट मींस फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया यू हैव वन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सर्विसेस. इन केस ऑफ द लीड बैंक स्कीम an individual bank branch is responsible for some 10, 15, 20 villages to increase the financial inclusion. This is what the lead bank scheme is there. Kafi purana hai, 78, 79 mein aaya tha. But yeah, this is what the lead bank scheme is, which is adopting the service area approach. Baki integrated rural development program, government schemes mein padhaya tha that this is for the skill set increase karna hai aapko rural areas mein, etc. and all. MG Narega, toh we know that individual based hai. Isme toh kuch service hai nahi. Gram Sabha identify karega kya kaam karna hai aur baki individuals kaam karenge. It means MG Narega bhi nahi hai. Then we have the National Skill Development Mission hai wo toh. So mission ke cases mein we have 6-7 submissions bana rakhe hai iske andar. Kaun kaun sa state skill development mission, etc. and all we have. So only the lead bank scheme we have. Common है यार, बहुत बार पढ़ाता हूँ मैं ये. Common है. Basis क्या होता है उसको? Basis ये है कि competitors को पता नहीं हो, ये basis है. अच्छा तो है अपने लिए, जो class में पढ़ के solve हो रहा है, common sense से निकल रहा है, वो सब अच्छा. और पूछना चाहिए उसको.
सिंपल है ना यार, और क्या चाहिए। ये सर्विस एरिया अप्रोच एक्चुअली अभी न्यू न्यू गवर्नमेंट फॉलो कर रहा है, बिकॉज कन्वर्जेंस करना है ना आपको। आपने एक जगह इंजीनियरिंग का किया, दूसरी जगह स्वच्छ भारत कर दिया, तीसरी जगह कुछ और कर दिया, अलग आइसोलेशन में स्कीम्स चल रहे हैं, कन्वर्जेंस भी तो करना पड़ेगा। इसीलिए सर्विस एरिया अप्रोच प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी। नेक्स्ट वी हैव इज विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया। आंसर क्या है विदाउट चीटिंग? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन वाला, वो खनिज क्षेत्र कल्याण योजना प्रधानमंत्री वाला, लास्ट ईयर भी पूछा था, इट मीन्स 18 में भी, 19 में भी पूछा है। अगेन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग लॉ इन द कंट्री। उसमें मेंशन था सैंड, ग्रेविंग्स एंड देन क्ले एटसेट्रा एंड ऑल कम्स अंडर द माइनर मिनरल। सेकेंड, वंस एनीथिंग इज बीइंग कंसिडर्ड एज द माइनर मिनरल, उसके बाद सब स्टेट देखेगा। Once something is considered as the minor mineral, then the responsibility lies with the state government for both. Mining की royalty भी वही देखेगा, plus rules regulations भी वही बनाएगा। It means the second statement is wrong. That is, powers regarding the formation of rules related to grant of minor minerals is with the central government. वो यहाँ से cross हो जाता है। Third, we have state government have the power to frame rules to prevent the illegal mining of minor minerals. ये भी common sense से निकल जाएगा। देखा होगा ना यूपी में, राजस्थान में एटसेट्रा, बहुत जगह इलीगल माइनिंग ऑफ सैंड चल रहा है एटसेट्रा। वो कहते हैं कि वो मीडिया में पढ़ा होगा दैट स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मिलके ये सैंड माफिया ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता, इसका मतलब वो तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में ही है। तो कभी कभी आज तक भी देखना पड़ेगा और पंजाब केसरी भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज consider the following statement. First one is most of the India's external debt is owed by the government entities. Again factual question, but ये conceptual base में निकाल देंगे अपन। कितना है total external debt India का? अब बताओ, fact पूछ लेता हूँ थोड़े थोड़े। बोलो भाई, ऐसे देखो दो ही चीज चलती है fact में, या तो पता है या नहीं पता है, ऐसे थोड़ी बनाएगा। बोलो what is the total debt? अब what is the total foreign exchange reserves of India? हाँ ये बनी बात, 400 क्या? ठीक है, $400 बिलियन के आसपास में। एंड देन वी हैव टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं, $300 बिलियन के आसपास में। ये सब बताऊंगा, एक क्लास इसी का होगा सब फैक्ट्स का। व्हाट इज द टोटल इंपोर्ट ऑफ इंडिया, मर्केंडाइज इंपोर्ट, इंपोर्ट सुना है कुछ होता है? गुड, फिर ठीक है, ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट है तो ज्यादा होना ही चाहिए। कितना होगा रफली? 480-490 के आसपास में, 480-490 बिलियन के आसपास में आवर टोटल इंपोर्ट भी है। टोटल बोरोइंग्स ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स बोथ, जब हम कहते हैं ना एक्सटर्नल डेट, ये सब इंडिविजुअल में और डिटेल में जाके पढ़ाऊंगा, डिफरेंस बिटवीन डेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डेट एंड लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, एटसेट्रा। बट वेन वी से द एक्सटर्नल डेट, इसमें देखो भाई दोनों आता है, इसमें गवर्नमेंट डेट भी आता है जिसको कहते हैं पब्लिक डेट, और इसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट्स की बोरोइंग भी आती है। इज बीइंग रिगार्डेड एज द टोटल एक्सटर्नल डेट। इफ मी एंड यू गाइस, इंडिविजुअल्स ने भी बोरो किया वो भी आएगा इसमें, एनआरआईज ने अपना कुछ पैसा डिपॉजिट किया है वो भी आएगा इसमें। सो दिस इज नोन एज द टोटल एक्सटर्नल डेट। इट्स रफ वैल्यू इज रफली $500 बिलियन, थोड़ा सा ज्यादा है हमारे टोटल इंपोर्ट से। इंपोर्ट है 480-490, ये 500 प्लस है, 512 एग्जैक्टली, 500 के आसपास में याद रखेंगे, दोनों एक ही याद रख लेते हैं, इंपोर्ट भी 500 है और एक्सटर्नल डेट भी 500 है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय द गवर्नमेंटल एंटिटीज, कि मैक्सिमम डेट गवर्नमेंट ने बोरो किया है। राइट होगा या रॉन्ग होगा? चीटिंग हो गया, राइट होगा क्या? गवर्नमेंट क्यों बोरो करेगा? तो गवर्नमेंट कम करेगा ना, गवर्नमेंट को क्यों बोरो करना है बाहर से? प्राइवेट एंटिटीज को बोरो करना है। व्हाई दे बोरो फ्रॉम आउटसाइड इज बिकॉज दे आर मोर रिलेटेड टू द इंटरनेशनल सप्लाई चेन। आपको डॉलर में क्यों बोरो करना है? गवर्नमेंट तो प्रिंटिंग द करेंसी कर ही सकता है ना, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेशनल सप्लाई चेन। व्हाई यू आर बोरोइंग इन डॉलर इज बिकॉज यू हैव टू रिटर्न समथिंग इन डॉलर। तो ये रिटर्न तो तभी होगा ना व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल सप्लाई चेन। अब गवर्नमेंट तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन से कम रिलेटेड होगा, बिकॉज गवर्नमेंट का काम तो सर्विसेज देना है टू द सिटीजन्स। इट मींस द कॉमन सेंस इज कि गवर्नमेंट का बोरोइंग शुड नॉट बी मोर देन द प्राइवेट कॉर्पोरेट सिटीजन सबकी बोरोइंग्स है।
which is true. इसकी बोरोइंग गवर्नमेंट बोरोइंग इज ओनली 20% ऑफ द टोटल बोरोइंग, 100 बिलियन डॉलर के आसपास में, बाकी सबका 400 बिलियन डॉलर के आसपास में है. सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल ऑफ इंडियाज, ये जैसे ही ये ऑल ओनली आ जाए ना, यहाँ पे रेड फ्लैग लगा लेना कि कुछ स्टेडिली भी है आजकल, एक नया स्टेडिली इंक्रीज कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड आएगा. कई साल पूछता है द टैक्स टू जीडीपी हैज स्टेडिली इंक्रीज इन लास्ट 10 ईयर्स, टैक्स कलेक्शन हैज स्टेडिली डिक्रीज इन लास्ट 10 ईयर्स. यूजली इन सच क्वेश्चन एक क्लास लूंगा उसमें बताऊंगा, देर आर ओनली 4 things or 3 things जो स्टेडिली इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं बस, उसके अलावा कुछ भी आए दुनिया में सब रॉन्ग है. सो ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर, राइट होगा रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा. वाई वी वॉन्ट टू कंसनट्रेट ऑल अवर बोरोइंग्स इन जस्ट सिंगल करेंसी? अब US में कुछ प्रॉब्लम आया तो ऑल्सो कुछ किसी के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं हम, फिर अपन ने वो बॉन्ड विद मसाला बॉन्ड बनाया ही क्यों था? इसीलिए बनाया था. इट मीन्स ऑल तो नहीं हो सकता. अगर क्वेश्चन ये होता दैट मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर, करेक्ट हो जाता, बिकॉज 35 to 40, 45% हमारा, बल्कि 50% हमारा डॉलर में, बट इट्स नॉट ऑल, 50% इज इन डॉलर टर्म्स, बाकी सब अपना रुपी वुपी और बाकी करेंसीज में है. सो दिस अगेन दिस कैन बी सॉल्व थ्रू द कॉमन सेंस, कॉमन इन द सेंस व्हेन यू हैव सम एक्सटर्नल नॉलेज तभी सॉल्व होगा, नहीं तो रिस्क मत लेना ऐसे क्वेश्चन में. ये आ गया वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ ए कमर्शियल बैंक? फर्स्ट एडवांसेज लोन दिया है, नहीं होना चाहिए. सेकेंड को छोड़ दो. थर्ड वी हैव इन्वेस्टमेंट, अगेन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव मनी एट द कॉल एंड द शॉर्ट नोटिस, इट मीन्स दूसरे बैंक्स को जो पैसा देता है उसको कहते हैं कॉल मनी या शॉर्ट मनी, इंटर बैंक ऑफर रेट एटसेट्रा, वो जो डिस्कस करेंगे. इट मीन्स डिपॉजिट वाला इज द ओनली स्टेटमेंट. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, एक तो क्वेश्चन को सिंपल करके समझ लेना बस, इतना डिफिकल्ट बना देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस? यू हैव टू रिड्यूस द करेंसी क्राइसिस, इट मींस करेंसी स्टेबिलिटी, सिंपल से समझ लो. एंड करेंसी स्टेबिलिटी मींस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सो कौन कौन से फैक्टर से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, इसको देख के क्वेश्चन के पॉइंट्स मत पढ़ना, जस्ट कस्टमाइज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ट्रांसलेट इन टू ए सिंगल स्टेटमेंट कि वट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन. सो दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी. नाउ स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी इट मीन्स डॉलर टू रुपी और रुपी टू डॉलर, यही पूछ रहा है वो. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फॉरन करेंसी अर्निंग्स ऑफ द इंडियाज आई टी सेक्टर. सो अगर इंडियाज आई टी सेक्टर की फॉरन करेंसी अर्निंग इंक्रीज होगा, इट मीन्स डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी, इट मींस करेंसी स्टेबल रहेगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज मोर सप्लाई ऑफ एनीथिंग इट मींस लेस प्राइस. सो मोर सप्लाई ऑफ डॉलर मींस रुपी विल एप्रिशिएट, डॉलर विल डेप्रिशिएट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड वी हैव इज इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, इट मींस फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा. फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज हो जाएगा, फॉरेन बोरोइंग्स डिक्रीज हो जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, डॉलर की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, इट मींस स्टेबिलिटी डगमगा जाएगी. सो द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट वी हैव इज रेमिटेंसेज फ्रॉम द इंडियन अब्रॉड. बहुत ज्यादा रेमिटेंसेज आएगा मतलब बहुत ज्यादा डॉलर आएगा, बहुत ज्यादा डॉलर आएगा मतलब डॉलर का सप्लाई इंक्रीज होगा, इट मींस करेंसी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. सो डोंट डायरेक्टली रीड द क्वेश्चन एंड देन जिस थिंग, उसको सिंपल वर्ड्स में साइड में लिख लेना कि एग्जैक्टली व्हाट इज द क्वेश्चन. Anyways, this is also a simple question. देखो समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, because there is an opportunity cost of you sitting in the class. Which of the following is issued by registered? ये तो simple है, participatory notes. सुना है सबने? ये सुनो, P notes. हाँ नहीं सुना तो नहीं सुन लेंगे. हाँ हाँ बोलो ना. अच्छा सभी पढ़ोगे क्या आज? ठीक है पढ़ लेते हैं भाई. It's अच्छा ये प्रॉब्लम था क्या इतनी देर से? तभी इसकी आंखें लाल हो गई एकदम, मुझे लगा ये वैम्पायर वम्पायर बदलने वाला है एकदम, अभी हो जाएगा थोड़े दिन कन्वर्जन हो जाएगा इसका. एनीवेज वैसे भी शाम के टाइम ऐसा ही, फुल मून तो नहीं चल रहा आजकल, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यूड बाय, थोड़ा सा बेसिक है बता देता हूँ. सो अगर आपके पास है
बीएससी और एनएससी, फॉरेनर हो आप, यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड देन इफ यू आर बेस्ड इन इंडिया, सो फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल मी एंड यू गाइस, ए एंड बी वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्या करना होगा, व्हाट इज द प्रोसेस, इफ यू हैव टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ इंफोसिस कैसे करोगे, हाँ वही है, कैसे, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन, बाय द शेयर, हाउ, टेल मी द प्रोसेस, एक तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लोगे, जाओगे sharekhan.com में, केवाईसी दोगे, अपना अकाउंट ओपन कर देगा, किट घर पे आ जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड, परचेज शेयर, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड उसमें तो डायरेक्टली यू कैन परचेज द शेयर्स ऑफ इंफोसिस एंड ऑल, सेकंड इज म्यूचुअल फंड वाले को दे दोगे, म्यूचुअल फंड वाला अपने आप इन्वेस्ट करता रहेगा, सो देर आर टू वेज थ्रू विच मी एंड यू गाइज कैन इन्वेस्ट इन द इंडिया शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट, फर्स्ट वन इज वी कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट एंड सेकंड वी विल गिव अवर फंड्स टू द म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हैविंग द नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन बीएससी एंड एनएससी, सो दे विल कीप देयर कमीशन, दे विल टेक 100 rupees फ्रॉम यू, दे विल टेक 100 rupees फ्रॉम मी, दे विल टेक 100 rupees फ्रॉम हर, सबसे 100 लेगा एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल इन्वेस्ट इन वेरियस कंपनीज सो दैट देर विल बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, इफ शी इन्वेस्टेड ऑल द 100 rupees इन इन्फोसिस और कल इन्फोसिस बंद हो गया तो हो गया लॉस, इट मीन्स शी शुड आइडियली इन्वेस्ट 30 rupees इन इन्फोसिस, 30 rupees इन सम कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिकॉज सेक्टर में भी तो स्लो डाउन आ सकता है आईटी में, एंड 30 rupees इन ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड देन 10 rupees इन सम अदर सेक्टर, वही म्यूचुअल फंड करता है, सबका पैसा लेता है, उसको वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देता है, ऐसा भी तो हो सकता है लेकिन सारे फाइनेंशियल सेक्टर में स्लो डाउन आ जाए, सारा कैपिटल मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ दैट यू शुड नॉट इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग्स इन द शेयर मार्केट, तो फिर ये क्या करेंगे 100 rupees में से 50 यहाँ करेंगे, 20 rupees गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाएंगे, 10 rupees में लैंड परचेस करेंगे, 10 rupees क्रूड ऑयल या समथिंग किसी और में लगाएंगे और 10 rupees सिंगापुर ले जाएंगे, हो गया डाइवर्सिफिकेशन, इसको कहते हैं हेजिंग, और जो हेजिंग में इन्वेस्ट करता है उस फंड को कहते हैं हेज फंड्स, तो वो करेंगे 100 rupees एक हेज फंड को दे देंगे और वो हेज फंड वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देगा, मोटा मोटी अभी के लिए इतना बहुत है। आउटसाइड इंडिया व्हाट इज द ऑप्शन इज यू कैन ऑल्स, ये क्यों, एक तो NRI हो गया, सो NRI वाला तो डायरेक्टली KYC फुलफिल करेगा, दे कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन NSE और BSE, सेकेंड हो गया एक क्वालिफाइड फॉरन इन्वेस्टर, अभी तो मर्ज हो गया है वो FPI में आ गया, फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आ गया, सिंपल वर्ड्स में समझ लो FPI इज नथिंग बट अ म्यूचुअल फंड कंपनी काइंड ऑफ थिंग बट नॉट बेस्ड इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, तो वो क्या करेगा FPI विल टेक मनी फ्रॉम ABNC एंड देन दे विल इन्वेस्ट इन द इंडियन शेयर मार्केट बट दे आर रजिस्टर्ड विद NSE BSE और SEBI, बट द प्रॉब्लम इज इफ ए इज गिविंग 100 rupees टू FPI, बी इज गिविंग 100 rupees, सी इज गिविंग 100 rupees टू FBI, अर्लियर इट वॉज नॉट मैंडेटरी फॉर ABC टू फुलफिल द KYC ऑफ SEBI, इसका मतलब इस NSE BSE को नहीं पता कि वो पैसे का सोर्स क्या है, उसको सिर्फ इतना ही पता है that they are getting 300 rupees from this FPI and FPI is registered with this, what in return this FPI will issue to A is known as P notes, so P notes holder their KYC was not earlier mandatory that to fulfill the NSE or BSE regulations, ab wo mandatory ho gaya shom bom panel bithaya etc, सो पी नोट्स क्या हो गया, ये तो सिंपल वर्ड्स में समझा दिया, बुक्स में क्या पढ़ते हो, पी नोट्स इज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी हैव बीन इशूड बाय द FPI फॉर द इंडिविजुअल हु डोंट वांट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द इंडियन शेयर मार्केट, ऐसा ही कुछ पढ़ते हो ना, सिंपल तो है, ए डोंट वांट टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन NSE BSE, तो ए गेव 100 rupees टू FPI, FPI इन्वेस्टेड ऑल दिस मनी टू द इंडियन शेयर मार्केट, इन रिटर्न FPI इशूड अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चेक इज ए सिक्योरिटी, कैश इज ए सिक्योरिटी, गवर्नमेंट किसान विकास पत्र इज ए सिक्योरिटी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज ए सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, कुछ बॉन्ड होता है, कुछ एटसेट्रा होता है एंड ऑल, एनीवेज डेरिवेटिव सिक्योरिटी क्या होता है, डेरिवेटिव सिक्योरिटी मीन्स हु इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स इज नोन एज डेरिवेटिव सिक्योरिटी, इसका मतलब FPI ने 300 rupees के शेयर यहां से खरीदे और उन शेयर्स को डायरेक्टली नहीं दिया ABC को, उसने इससे एक डेरिवेटिव सिक्योरिटी बनाया, म्यूचुअल फंड भी तो यही करता है, म्यूचुअल फंड विल इन्वेस्ट 300 rupees यहाँ पे
और उससे करके एक डेरिवेटिव सिक्योरिटी बनाता है. इट मींस दिस सिक्योरिटी इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम हियर. सो सेम वी हैव इज पी नोट्स इज अ डेरिवेटिव सिक्योरिटी. ये तो हो गया पार्टिसिपेटरी नोट्स. मोटा मोटी आ गया समझ में? ये सुनो ब्रॉडली ब्रॉडली बस आई एम आस्किंग. बोलो करेक्ट है. नहीं नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में करना है, बट कौन सी कंपनी में करना है वो डिक्टेट नहीं कर सकते आप इस म्यूचुअल फंड को भी तो डिक्टेट नहीं कर सकते कि कहाँ इन्वेस्ट करना है. सो सिमिलरली इसीलिए इसको म्यूचुअल फंड बोला मैंने. एग्जैक्टली इट्स नॉट द म्यूचुअल फंड बट वेरी सिमिलर. नेक्स्ट वी हैव इज प्रोमिसरी नोट्स. ये प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है? प्रोमिस. सो एनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच इज बेस्ड ऑन प्रोमिस इज नोन एज प्रोमिसरी नोट्स. एग्जाम्पल FD. बैंक आपको इन रिटर्न कुछ देता है, पीस ऑफ पेपर देता है बस, ऑन विच इट इज रिटन यू गेव मी 100 rupees, आई गिव यू 10% इंटरेस्ट रेट, बट देर इज नो मॉर्टगेज इन दिस. जब आप उससे लोन लेते हो तब तो वो मॉर्टगेज मांग लेता है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी नहीं है. वेन यू आर गिविंग 100 rupees टू द गवर्नमेंट, इट मीन्स इन्वेस्टिंग इन किसान विकास पत्र, गवर्नमेंट इज जस्ट गिविंग ए पीस ऑफ पेपर दैट यू सबमिटेड 100 rupees अंडर दिस किसान विकास पत्र, आई विल डबल दिस फंड इन 8 years और 7 years और 100 months, एंड स्टैंप लगा दिया बस गवर्नमेंट का, वही उसका मॉर्टगेज है. इट मीन्स दिस बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ प्रोमिसरी नोट्स. सो प्रोमिसरी नोट्स आर ऑल द सिक्योरिटीज अगेंस्ट विच नो मॉर्टगेज हैज बीन डिपॉजिटेड इज नोन एज प्रोमिसरी नोट्स. अब वो बायलेटरली भी हो सकता है. इट मीन्स सपोज शी इज अ कॉर्पोरेट, आई एम ऑल्सो अ कॉर्पोरेट, नॉर्मल में शी वॉन्ट्स टू सेल दिस पर्टिकुलर पेन टू मी, मे बी 500 pens यू वॉन्ट टू सेल टू मी. सो वट इन रिटर्न आई गिव, I'll issue an invoice in which I said that she sold 500 pen equivalent to 1 lakh rupees. I will give her 1 lakh plus 10,000 ka interest after 3 months. So, wo ho gaya promissory notes. Uske against mein kuch diya thodi. 3 months mein agar maine bankruptcy file kar diya, to inka loss ho gaya wo. And promissory note issued between two corporates, A and B, is known as, ab samajh gaya? Good. और फिर ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज जस्ट लाइक FD, बस उसका एक बेसिक मिनिमम वैल्यू होता है. अगर एक ये बैंक है और ये बैंक में एक कॉरपोरेट ने मिनिमम 25 lakh rupees डिपॉजिट कराए, उसके रिटर्न में ये इशू करता है, उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में. जैसे FD तो नेगोशिएबल नहीं होता. You cannot enter PNB ka bank and say, I need 15% interest on my FD. Dega kya? Nahi dega. Iska matlab wo negotiable nahi hai. Certificate of deposit negotiable hai. Because yahan jyada paisa hai. So when Infosys is depositing 25 crore rupees with the bank, they can say, I need 10% interest rate. Aap nahi doge to main ICICI ke paas chala jaunga. Wo nahi dega to PNB ke paas chala jaunga. Aur wo bhi nahi dega to PMC ke paas chala jaunga. Wapas to milna hi nahi hai. Theek hai. Anyways, ये कुछ 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 समझ में आ रहा है? तो वो एलियन वर्ड्स नहीं है ये सब. एक बार समझ में आएगा तो सब सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं बस. अरे लोन देता नहीं है ना. इनवॉइस जनरेट कर दिया इनके और इनके बीच में. नाउ इट डिपेंड्स मेरा इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी कितना है, मेरा हिस्ट्री कितना है, तभी तो आप बैंक लोन देगा, नहीं तो नहीं देगा इनको लोन. इसीलिए वो बैंक रेट का कॉन्सेप्ट जब मैं समझाऊंगा तब बताऊंगा कि बैंक रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कमर्शियल पेपर ओनली, वहीं से डिराइव होता है. ये ट्रेडेबल भी है, ट्रांसफरेबल भी है, सब है, बट FD कुछ भी नहीं होता हो. ये डिफरेंस है FD और इसके बीच में. FD के अगर इनके अगेंस्ट इशू किया बैंक ने FD, अब इनको सेल थोड़ी कर सकते हैं. इसका मतलब लिक्विडिटी है ही नहीं उसकी. लिक्विडिटी क्या होता है? एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सेकेंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी में ट्रांसफर करना इज नोन एज लिक्विडिटी. दो डेफिनेशन होता है लिक्विडिटी. एक तो ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकॉनमी. सो मी एंड यू सब मिला के, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे वॉलेट और मेरा वॉलेट तो है ही नहीं, मिला के कुछ कुछ 50,000 rupees होंगे अपने पास. इट मीन्स द लिक्विडिटी ऑफ दिस क्लास इज 50,000 rupees. सेकेंड डेफिनेशन ऑफ लिक्विडिटी इज हाउ इजीली वी कैन कन्वर्ट दिस फाइनेंशियल एसेट इन टू दिस. इसका मतलब इफ यू हैव गोल्ड एंड यू वॉन्ट टू कन्वर्ट गोल्ड इन टू कैश, सो वो गोल्ड की लिक्विडिटी हो गई. इफ यू हैव कार एंड यू वॉन्ट टू सेल दिस कार टू समथिंग एल्स, सो वो कार की लिक्विडिटी हो गई. इफ यू हैव लैंड एंड यू वॉन्ट टू सेल दिस पर्टिकुलर लैंड, तो वो लैंड की लिक्विडिटी हो गई. दैट इज नोन एज द लिक्विडिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर एसेट. हाउ इजिली यू वॉन्ट टू ट्रांसफर. एनीवेज FDs आर नॉट ट्रेडेबल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर ट्रेडेबल. ठीक है,
यार ये भी नहीं पढ़ाया था पिछले साल, आई थॉट नहीं पूछेगा, पूछ लिया। एनी वेज इस बार पढ़ाएंगे। हाँ 5 ईयर प्लान, बहुत 7-8 साल से नहीं पूछा था, आई थॉट क्यों ही बम्बार्ड करूँ नॉलेज, बट ये कॉमन सेंस से हो जाएगा। इसके आसपास का पढ़ाया था, महालनोबिस मॉडल पढ़ाया, वो पढ़ाया था मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, सुना है वो नेहरू का फ्रेंड यूएसएसआर वाला। सो इंडिया अडॉप्टेड महालनोबिस मॉडल इन 1956 सेकेंड 5 ईयर प्लान में। सो महालनोबिस मॉडल वाज या मॉडर्न डे टेम्पल ऑफ नेहरू, ये सुना है उसने कहा था, कुछ तो मॉडर्न डे टेम्पल हैं वो सब छोड़ो एंड ऑल, जैसे मोदी साहब ने कहा कि टॉयलेट इज मॉडर्न डे टेम्पल एटसेट्रा एंड ऑल, कहा था ना उन्होंने स्वच्छता भारत के आसपास में। नेहरू साहब सेड देयर आर टू मॉडर्न डे टेम्पल, एक तो है PSUs और सेकेंड है मल्टीपर्पस डैम, इरिगेशन भी कर लो, पावर भी जनरेट कर लो, सब कुछ कर लो, एंड सेकेंड इज PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नाउ सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आया था, 56 में, इसका मतलब महालनोबिस इसी के आसपास में होगा, इसका मतलब देर वॉज ए डिटरमाइंड थ्रस्ट टूवर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री, इसका मतलब हैवी इंडस्ट्री, करेक्ट होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस अपॉन एग्रीकल्चर, सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस अपॉन इंडस्ट्रीज, थर्ड 5 ईयर प्लान फोकस अपॉन बोथ, एंड फोर्थ से तो खत्म। कहाँ सोशल रहा यार। सो सेकेंड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा है हाउ टू रिलेट दिस, बिकॉज एग्जैक्टली याद तो दोगे करोगे नहीं, मैं तो दे दूंगा लिस्ट, देना ही है मुझे तो इस बार, उसमें हर 5 ईयर प्लान में 5, 5, 6, 6, 10, 10 पॉइंट्स भी दे दूंगा, क्लास में पढ़ा भी दूंगा, बट वो सब डिफरेंट है, एग्जाम डिफरेंट, रिलेशन थोड़ी है, बिकॉज उसके बीच में एक प्रॉब्लम आ जाता है रिटेंशन। अब वो हिस्ट्री भी करना है, आर्ट एंड कल्चर भी करना है, और फिर ज्योग्राफी भी, आप तो मिडिल भी पढ़ना है अच्छे से, सब पढ़ना है, इसका मतलब 5 ईयर प्लान तो याद रहने से रहा, तो आसपास का कुछ बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस अपॉन एग्रीकल्चर, सेकेंड अपॉन इंडस्ट्री, थर्ड अपॉन बोथ। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब ये सेकेंड वाला जो है ना, ये गड़बड़ है, ये याद नहीं रहेगा, थर्ड वाला बता देते हैं, दैट ये फाइनेंशियल सेक्टर्स जो आया था हमारा, इस पे फोकस। अब जब 75 में आप गरीबी हटाओ दे रहे हो और 69 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कर रहे हो, इसका मतलब उस टाइम पे तो फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस था नहीं। इट इज़ अ वेरी फेमस इन इकोनॉमिक्स दैट द फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस दिया था राजीव गांधी ने, उससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। अब राजीव गांधी साहब आए थे 80s में, इसका मतलब ये 4th, 5th, 5 ईयर प्लान में तो होने से रहा। 8th 5 ईयर प्लान में फर्स्ट टाइम राजीव गांधी गेव फोकस टुवर्ड्स द फाइनेंशियल सेक्टर, उसी टाइम पे उसने लिबरलाइजेशन एंड ऑल कुछ अलाउ किया था। सो फर्स्ट ठीक हुआ एंड थर्ड ठीक हुआ, सेकेंड वाले में गड़बड़ है। नाउ यू गाइज हैव टू डिसाइड वेदर टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस और नॉट। मैं तो पढ़ा दूंगा बट वो रिटेंशन में कम होने वाला है आपके, इसके लिए ठीक है। देन वी हैव, ये सिंपल क्वेश्चन था इंटर क्रेडिटर वाला, ये कौन सी स्कीम हो, सशक्त मिशन वाला जो था उसके लिए, वो सिंपल है, 5-pronged अप्रोच आया था, 50 करोड़ से कम है तो, 50 से 500 करोड़ है तो, 500 करोड़ से ऊपर है तो, प्लस नेशनल आईबी फोर्थ है आईबीबीसी में भेज दोगे, और फिफ्थ वाला है ओएलएक्स बनाना, जो ओएलएक्स मिडल मैन थोड़ी है, इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाओगे आप दोनों के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा समझ। नेक्स्ट वी हैव इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय, ये तो सिंपल है, आप तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का आ गया है, वो इंद्रधनुष के कंपोनेंट्स बताऊंगा उसमें, बी इज फॉर द बैंक बोर्ड ब्यूरो, नाउ दे आर सेलेक्टेड बाय द बैंक बोर्ड ब्यूरो इज देयर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक का इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये पढ़ाया था अच्छे से, एंड आई टोल्ड यू अगर लास्ट ईयर का कोई बच्चा होगा तो, ये आईएनए में भी पढ़ाया था अच्छे से, उसको क्रैम भी कराया था, याद है क्या, पढ़ाया था क्या, लास्ट ईयर थे आप नहीं थे, मेंस के टाइम पे नहीं पढ़ाया था, प्री के टाइम पे पढ़ाया था, प्री का ये ना कि इफ यू आर फोकसिंग अपॉन द 10 इंडिकेटर्स, किस किस वे में, अब देखो ये क्रैम नहीं होता ऐसे, व्हाट आर द 10 इंडिकेटर्स, अनलेस एंड अंटिल वी क्रिएट अ सप्लाई चेन, कि इफ आई हैव टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एट द एंड आई हैव टू शट इट डाउन, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उसके लिए, इसी वे में पढ़ाया था लास्ट ईयर। सो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट थिंग इज स्टार्टिंग अ बिजनेस, सबसे पहले तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट क्या करोगे, पहले तो रजिस्टर करोगे। सो द सेकेंड वी हैव इज द रजिस्टरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, एक बार प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी फिर अपन उसमें कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन परमिट चाहिए। सो थर्ड वी हैव इज डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट, कंस्ट्रक्शन परमिट वर्मिट मिल गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए,
एक बार कंस्ट्रक्शन परमिट मिला तो मीटर वीटर लगेगा. तो थर्ड फोर्थ वी हैव इज द गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. वंस यू हैव इलेक्ट्रिसिटी तो काम भी करना है, काम के लिए तो लोन लेना पड़ेगा, इट मीन्स गेटिंग द क्रेडिट. फिफ्थ इज गेटिंग द क्रेडिट. नाउ वंस यू हैव द क्रेडिट नाउ यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स. अब सेल आसपास में करोगे या बाहर भी करोगे, जितना मार्केट है सब में करोगे. इट मीन्स क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑल्सो यू नीड टू डू. तो सिक्स्थ वी हैव इज ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर. अब ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर करोगे इट मीन्स यू हैव मोर मार्केट इन रेंज. इसका मतलब आप प्रॉफिट मेकिंग हो गए हो. प्रॉफिट मेकिंग हो गया तो आप टैक्स देना पड़ेगा. तो सेवेंथ वी हैव इज द पेइंग द टैक्सेस. अब टैक्स तो पे कर दिया बट यू नीड टू ऑल्सो केटर द नीड ऑफ द मैनेजमेंट जो माइनॉरिटी में बैठा है. सो इट मीन्स प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स ऑल्सो. सो एट्थ वी हैव इज द माइनॉरिटी इन्वेस्टर. वो होता है दैट इफ यू हैव टोटल 100 रुपीज का कंपनी, उसमें जिसके पास 2% है, जिसके पास 1% है, 0.5% ऑनरशिप है, दे आर रिगार्डेड एज द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स. सो एट्थ वी हैव इज द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट वंस द माइनॉरिटी, इफ यू आर सेइंग प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इन्वेस्टर, बट इफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर इज सेइंग यस, मेजॉरिटी इन्वेस्टर इज सेइंग नो, इट मीन्स यू हैव टू साइन सम कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एनफोर्स नहीं हुआ तो सब फेल हो गया. इट मीन्स नाइन्थ वी हैव इज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसी के लिए आर्बिट्रेशन में अमेंडमेंट बिल लेके आए थे एटसेट्रा. नाइन्थ हो गया ये, और टेंथ तो आई टोल्ड यू बंद भी तो करना है. टेंथ वी हैव इज इंसॉल्वेंसी. कंपनी खोला, कंपनी बंद कर दिया, टोटल सप्लाई चेन का 10 इंडिकेटर्स हो गया. यू हैव 10 सेकेंड्स टू क्रैम. पूछ भी लेते हैं फिर, पढ़ो. हो गया क्या? बता दो जल्दी जल्दी बताओ. स्टार्टिंग ए बिजनेस, पहले तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे. सेकंड, रजिस्टर करेंगे प्रॉपर्टी. थर्ड, रजिस्टर किया तो कंस्ट्रक्शन परमिट. फोर्थ, परमिट आया इलेक्ट्रिसिटी आया, इलेक्ट्रिसिटी आया तो क्रेडिट भी तो चाहिए, परचेज भी तो करेंगे, अगले बिजली से क्या होगा. नेक्स्ट फिफ्थ हो गया. सिक्स्थ, अब सब कुछ आ गया तो वी यू हैव टू इंक्रीज योर मार्केट ऑल्सो. इट मीन्स अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑल्सो यू नीड टू सेल. अक्रॉस बॉर्डर किया तो प्रॉफिट मेकिंग बना, इसका मतलब टैक्स पे कर दिया. नेक्स्ट, सब कुछ ठीक चल रहा है मैनेजमेंट, सो माइनॉरिटी वाले का, माइनॉरिटी में तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इट मीन्स एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी हो गया बंद. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये प्री में पूछा, यही मेन्स में पूछा. The same question from the PDS system they asked in pre. It's the same from the same topic they asked in mains as well. So we have, ये पढ़ाया था simple along with the diagram बताया था, that the procurement incidentals आते हैं इसमें plus distribution का cost आता है. ये पूरा supply chain करके पढ़ाया था. Farmer के पास दो option होते हैं, they can go to the APMC mandis, or the second option is they can go to the FCI वाला thing. एपीएमसी मंडी इट मींस मार्केट में जा सकता है, एफसीआई में जाएगा, एफसीआई स्टोर करेगा, प्रोक्योर करेगा समथिंग, देन दे डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्टेट इट गोज टू द डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इट गोज टू द पीडीएस शॉप्स पे जाता है, और यहाँ से इंडिविजुअल्स 1, 2, 3. द रेट एट विच एफसीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टू द स्टेट इज नोन एज सेंट्रल इशू प्राइस, एंड द रेट एट विच दे आर प्रोक्योरिंग इज नोन एज द इकोनॉमिक कॉस्ट, विच इंक्लूड्स प्रोक्योरमेंट कॉस्ट. वो तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इट मींस एमएसपी, वो तो फार्मर को दे दिया. अब फार्मर से लेने के बाद भी तो काम है, स्टोर करोगे आप उसको, मेंटेन करोगे क्वालिटी, प्लस मंडी फीस आपको ही पे करना पड़ेगा, प्लस प्रोक्योरमेंट के लिए सुनोगा आपने अड़तियाज होते हैं कुछ, सुना है, देखा कभी कोई एपीएमसी मंडी के बगल से निकला, गए तो नहीं होंगे, सुना है कुछ अड़तियाज वगैरह है ना. सच्ची नेगेटिव पर्सन, ओपन में कैसे रखेंगे, खराब हो जाएगा वो इंडिया टीवी में ओपन में रहता है, वो जो सर्कल बन गया आता है, वैसे फूड ग्रेन का स्टोरेज ही होता है भाई, गोडाउन बना रखे हैं, फिर तो सेंट्रल वेयरहाउस कमीशन क्यों बना है. एनीवे, हैं, ऐसे नहीं चलेगा. आई एम इमोशनली एसोसिएटेड विद एफसीआई, आई वर्क विद एफसीआई फॉर फ्यू मंथ्स, ऐसा मत करो यार. सी, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स में वही आता है,
लेबर चार्ज आएगा उसके लिए, देन वी हैव स्टोरेज वाला चार्ज आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट अलग से आएगा, अड़तियाज की फीस आएगी, मंडी की फीस आएगी, अड़तियाज कमीशन आएगा एटसेट्रा इसके लिए. दिस बिकम्स द सप्लाई चेन टोटल. सो फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन था डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसमें ऐड होता है. ये फिर एक सिंपल क्वेश्चन आ गया परचेसिंग पावर पैरिटी. ये अभी तक तो 13 के बाद में एवरी ईयर दे आर आस्किंग सम सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स. Probably next year they are going to ask some conceptual questions. Purchasing power parity क्या होता है? Simple है, क्या होता है? Basket of goods India में, same basket of goods USA में, कितना पैसा shell out करना पड़ेगा? If in India you want to purchase a piece of burger, it means goods, and you want to take a haircut, how much money you have to pay? And the same purchasing basket you want to purchase in USA, कितना पैसा करना पड़ेगा? इज नोन एज द परचेजिंग पावर पैरिटी. सो $1 इज इक्विवेलेंट टू 25 rupees इन पीपीपी टर्म्स. इसी वजह से इंडियाज जीडीपी वैल्यू इन डॉलर टर्म्स इज डिफरेंट इन नॉर्मल जीडीपी कैलकुलेशन एंड डिफरेंट इन पीपीपी टर्म्स की कैलकुलेशन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया. सेकेंड तो यहां मैडम नाराज हो जाएंगी कि कहेंगी मिलेनियाज ने गलत कैलकुलेशन कर दिया है. राइट, सो इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट. वो तो सेम ही है, बहुत सालों से सेम चल रहा है. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट भी है, सेकंड हो जाएगा. नॉर्मल टर्म में सिक्स्थ है या सेवेंथ है? सो डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ मैम. हाँ, द सर्वे विच केम जस्ट वन डे बिफोर द बजट, सर्वे लिखता है सेवेंथ, मैम कहते हैं सिक्स्थ. फिर नहीं नहीं फिफ्थ नहीं कहा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड लाई. अभी नहीं कहा उन्होंने, ऐसा तो नहीं हुआ है भाई. एनी वे, सो इट इज रफ, या तो सिक्स होगा या सेवेंथ होगा, तो यूपीएससी भी नहीं खेलेगा उसमें. ये आया एक और, सच ए गुड क्वेश्चन इट इज. ये आई कैन गारंटी यू क्रैम तो हो ही नहीं सकता है. मैं तो दूंगा, पिछले साल भी दिया था, बट वो बीच वाला जो है ना, वो मिडिल हिस्ट्री, वो गड़बड़ कर देता है. देखो भाई, एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज हाइएस्ट, ठीक है, नॉर्मल सेंस है, कॉमन सेंस है. प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा था तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. इतनी अच्छी हमारी प्रोडक्टिविटी तो है नहीं कि थोड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा राइस ग्रो कर दिया हमने. ओवरऑल यील्ड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी लेस, तभी तो पुअर है वहाँ पे. इट मींस एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाइएस्ट, करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट इज एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन द ऑयल सीड्स. नाउ दिस बिकम्स रॉन्ग बिकॉज ऑयल सीड्स पे वी आर फोकसिंग मोर बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑल्सो, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑल्सो. सो यू हैव टू डिक्रीज इट. कैसे करोगे? मोर एंड मोर एरिया यू वॉन्ट टू डेडिकेटेड टू द ऑयल सीड्स, एंड ज्वार इज कम्स अंडर द कोर सीरियल्स. एंड कोर सीरियल्स का कंजम्पशन आजकल कम हो गया बहुत सारा, बिकॉज यू शिफ्टेड मोर टूवर्ड्स वीट एंड राइस. क्यों? बिकॉज वीट एंड राइस में एमएसपी मिलता है, ज्वार में फार्मर को एमएसपी नहीं मिलता है, उसका टोटल लॉस हो रहा है. यू गाइज ऑल्सो डोंट कंज्यूम टू मच टूवर्ड्स दिस. अब ज्वार की रोटी कंज्यूम करोगे क्या? नहीं करोगे. बट हु गिव्स यू मोर न्यूट्रिशन? ज्वार एंड बाजरा, कोर सीरियल. सो नाउ व्हेन अ एक्टर फ्रॉम हॉलीवुड इज गोइंग टू प्रमोट इट, तो आप कंज्यूम करोगे. ऐसा ही हो रहा है. इन द डेवलप्ड कंट्रीज दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर एंड मोर कोर सीरियल्स, जस्ट लाइक नाउ दे आर स्टार्टिंग विद योगा वोगा एटसेट्रा एंड ऑल. सो सिमिलरली इन केस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, कोर सीरियल्स इज मोर न्यूट्रिशियस एंड दिस इज लेस न्यूट्रिशियस, बट बिकॉज ऑफ एमएसपी मिलता ही नहीं है तो चलता ही नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहां तक भी हो जाएगा. ये थर्ड स्टेटमेंट करना मुश्किल होगा. दैट एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ द शुगर केन इज देयर. कॉमन सेंस से थोड़ा थोड़ा कर सकते हो कि कॉटन में किस लिए नहीं होगा. लॉट ऑफ फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन टर्म्स ऑफ कॉटन. शुगर केन वाले के केस में द प्राइसेज वर वेरी हाई एटसेट्रा एंड ऑल. सो दिस स्टेटमेंट इज एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ द शुगर केन. एंड लास्ट इज एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन हैज स्टेडिली डिक्रीज. इस पे खेल सकते हैं अपन. एक तो फर्स्ट वाला 100% करेक्ट था, विच वी नो. सेकेंड एंड थर्ड रिक्वायर्स ह्यूज नॉलेज, बाद में देखेंगे. वो उसके आगे जो क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना, वो वाला हो गया. लास्ट स्टेटमेंट इज एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन हैज कंटिन्यूअसली डिक्रीज इन लास्ट 5 years. ये तो मुश्किल है, बिकॉज शुगर केन का प्रोडक्शन कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा. कंटिन्यूअसली डिक्रीज तो नहीं होगा. कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता तो कहीं तो न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से आता, बहुत कवर होता. इट मींस फोर्थ स्टेटमेंट इज 100% रॉन्ग. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. सो व्हेन यू हैव ऑल, व्हेन यू हैव नन, व्हेन यू हैव स्टेडिली, वहां थोड़ा रेड फ्लैग ऑन करके देख लेंगे. सो आई विल टेल यू अ लिस्ट ऑफ कौन कौन सा स्टेडिली है, उसके अलावा कुछ भी आए सब रॉन्ग है.
किसी में भी पूछ सकता है ना वो स्टडीली, तो कुछ भी पूछ सकता है, 10 ईयर्स का पूछ सकता है, 5 ईयर्स का पूछ सकता है, कितना याद करोगे? फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो, करंट अकाउंट डेफिसिट, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच दे कैन आस्क। सो आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ दीज फोर, उसके अलावा सब रॉन्ग। नहीं नहीं, MSP 1.5 टाइम्स बढ़ाया नहीं गया, MSP उन्होंने इंश्योर कर दिया कि इट विल ऑलवेज बी 1.5 टाइम्स फॉर रबी खरीफ एंड ऑल, पहले भी था बट वो गारंटेड नहीं था, पहले से ये इफेक्टिव नहीं है ना सर। लॉ एंड ऑर्डर तो IPC और CRPC तो अक्रॉस इंडिया चलते हैं, बट जाके अप्लाई करो ना बिहार में, गाजियाबाद में करके देखो कॉल, वो भी तो IPC CRPC चल रहा है ना। सो 23 है, इफेक्टिव नहीं है बस खत्म, बिकॉज उसके लिए मंडी चाहिए, मंडी तो है ही नहीं। ठीक है, ये भी कॉमन सेंस से हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू? स्पाइसेस, उसमें तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट क्यों करेंगे? सेकंड वी हैव फ्रेश फ्रूट्स, पेरिशेबल है, चलेगा नहीं, लार्जेस्ट वैल्यू नहीं हो सकता उसका। थर्ड पल्सेस, इन केस ऑफ पल्सेस इंपोर्ट वाले में वी विल सी दैट अभी रिसेंटली क्या हुआ था, लॉट ऑफ इंपोर्ट ऑफ पल्सेस की वजह से पल्सेस का प्राइस ड्रास्टिक डिक्रीज हो गया था, याद है कुछ कुछ पहले एक बार प्राइस इंक्रीज हुआ था 200 रुपीज़, 250 रुपीज़, 300 रुपीज़, वेरी नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली। इसका मतलब पल्सेस भी बहुत सारा नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट मस्ट हैव टेकन सम स्टेप्स टू डिक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ पल्सेस। लास्ट बचा वेजिटेबल ऑयल, एक तो वैसे भी पढ़ाई भी था क्लास में, बट वैसे भी कॉमन सेंस में भी निकालोगे तो वेजिटेबल ऑयल्स इज द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट। ये सब ऑयल वॉयल सब में सेम ही चलता है। Which one of the following is not most likely? हाँ, ये जो not most likely है ना उसको simple terms में लिख लेना, नहीं तो 100% confused होगे। Which one of the following is not the most likely measure which the government or RBI takes to slide the to stop the slide of the rupee? So rupee is depreciating. अब government क्या नहीं करेगा to stop it? First option, curbing import of non-essential goods and promoting exports, encouraging the Indian borrowers to issue the rupee-denominated masala bonds, and easing conditions relating to the external commercial borrowing. देखो इसको रुकेगा कब वो? When it can stop it? When we have? Question is slide of rupee. It means depreciation of rupee हो रहा है. Now how to stop it? How you can stop the depreciation of rupee? Or if you have to decrease the supply of the rupee. Simple है, liquidity कम कर दो, अपने आप रुक जाएगा। अगर onion का price decrease हो रहा है, कैसे रुकोगे? Onion की quantity कम कर देंगे, simple है। अगर rupee depreciate हो रहा है, कम कैसे होगा? Rupee की supply कम कर दोगे, या फिर dollar की supply बढ़ा दोगे। Simple है, following an expansionary monetary policy नहीं करोगे। Expansionary monetary policy आया तो आप rupee की supply बढ़ा रहे हो, वो नहीं ले सकता, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सेम होंगे। तो दिस बिकेम्स अगेन बिकम्स ए सिंपल, वो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा उसमें। लास्ट क्वेश्चन, फाइनली, थैंक गॉड, ये वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था मैंने, बट ये अगेन दिस कैन बी सॉल्व इनडायरेक्ट, डायरेक्टली RBI वाला नहीं पढ़ाया था, बट हाँ ये जिस द प्रेजेंट थिंग्स विच आर हैपनिंग दैट इज लोकलाइजेशन ऑफ डेटा, वो पढ़ाया था। सो इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डेटा which was earlier being stored both domestically as well as international, इसका मतलब वो तो गड़बड़ है। So RBI came up with the policy storage of payment system data popularly known as the data dictate command the payment system providers कि where they can save this data। एक तो local होना चाहिए, ठीक है। They shall ensure that the entire data relating to the payment system operated by them should be stored in system only in India, correct है? First statement is correct. Second, they shall ensure that the systems are owned and operated by public sector enterprises. वो तो हो ही नहीं सकता, because public sector और public IT sector don't have this much of expertise. अब expertise ही नहीं है तो काम कैसे चलाओगे? It means खुद के आप GST तो Infosys को देते हो। If you will ensure such things, how can you run such particular thing? It means not only public sector enterprises तो नहीं हो सकता, government का they don't have, NIC don't have this particular expertise. And then with the third statement is, they shall submit the consolidated system audit report to the CAG. CAG ko to financial knowledge hai nahi, to wo audit karke kya hi karega? It means CAG to nahi hoga, kuch aur hoga. We have certain, the Computer Emergency Response Team India,
वो ऑडिट करता है, बट सीएजी नहीं होगा, दिस इज 100% श्योर, बिकॉज इफ सम फाइनेंशियल डेटा इज देयर, सीएजी विल नॉट हैव द एक्सपर्टाइज टू डू द ऑडिटिंग, इट मीन सीएजी इज नॉट पॉसिबल. तो थर्ड स्टेटमेंट नहीं हो सकता है इसमें एट एनी कॉस्ट. एंड सेकेंड स्टेटमेंट ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नहीं हो सकता, बिकॉज दे गेव जीएसटी टू इन्फोसिस, इट मीन्स दे डोंट हैव दिस एक्सपर्टाइज. तो सेकेंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नहीं नहीं, दैट सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला तो सही कि दिस थिंग, एक तो बी एस सी एस वाला करोगे आप, रिलायंस वाला कर दोगे आप, प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गेव द जजमेंट दैट टेलीकॉम वाले में भी कर दोगे आप. सो वेर एवर वी हैव द पब्लिक ट्रस्ट, दे गेव अ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जहाँ जहाँ पब्लिक ट्रस्ट है वहाँ वहाँ पे इवन प्राइवेट सेक्टर का भी आप सी ए जी ऑडिटिंग करा सकते. अब वो दो तरीके तीन तरीके की ऑडिटिंग करता है, वो पॉलिटी में पड़ा होगा, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग करेगा नहीं करेगा एटसेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर मेंस. जल्दी जल्दी फिनिश कराते हैं इसको. सो इन टर्म्स ऑफ मेंस, इट्स नॉट ओनली रिलेवेंस इन जीएस पेपर थ्री, बट इन जीएस पेपर वन एज आई टोल्ड यू, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जेंडर गैप, वुमेन जेंडर गैप रेशियो इंक्रीज हो रहा है, देयर पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एटसेट्रा. वही फर्स्ट वन जीएस पेपर वन, लोकलाइज नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इंपैक्ट ऑन द employment. So this becomes a classic case, effects of globalization. We have various poverty and developmental issues are there. Aaj ek aur padhaunga, ek aur question hai. In relationship between poverty and hunger. So poverty aaya economics ka concept aur hunger aaya GS paper 1 ka concept. We have food and nutritional security etc. Similarly in GS paper 2 also we have cooperative federalism, GST, fiscal devolution of APMC, then we have impact of government intervention on the development, so poverty, hunger, etc. and all, various measures which the government took, plus its economic impact upon this. So politico-economic impact of all these topics is relevant in GS paper 2 also. In GS paper 3, we have security, internal security also, plus we have environment also. They have a direct impact on the इकोनॉमिक्स वी हैव. सिमिलरली वी हैव फॉर द केस स्टडीज, एक इकोनॉमिक्स का आता ही आता है. वी हैव देन वेरियस एसे विच केम इन ऑल दीज ईयर्स, दैट लास्ट टू लास्ट ईयर दे आज फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स, बोला था आएगा, आ भी गया. नेक्स्ट इंपैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक मेजर्स ऑन द फिस्कल टाइज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया, देन इनोवेशन एटसेट्रा. सो लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन वेरियस ऑप्शनल्स ऑल्सो, इन क्वालिफाइंग पेपर ऑल्सो. So for example, first question, this we already discussed, that can the strategy of regional resource-based manufacturing help in promoting employment in India? Simple question tha. Once we understand how to relate all these points into increasing the employment. Next, in GS paper 2, they asked a question, what are the methods used by farmers' organization to influence the policy makers in India and how effective are these methods? So, kuch direct methods honge, kuch indirect methods honge, village producer organization banaoge, FPOs banaoge, NGO banaoge, etc. Direct government initiatives banaoge, local agriculture universities mein participation karoge, etc. and all. So, this we are going to discuss in the agriculture sector. Next, we have, despite consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make most of these balanced and inclusive development elusive. Simple terms mein, what you need to understand from this question is, you have to tell me the various indicators of human development. How we measure human development. Ek toh first mein toh ye likhna hai, that despite the consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicator of human development. फर्स्ट तो यही क्वेश्चन बना, व्हाट आर द वेरियस वेज टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या क्या कंपोनेंट होंगे उसके. सेकंड में चलेंगे, इट ऑल द गवर्नमेंट इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्कीम्स, बट द बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हैज नॉट टेकन प्लेस. दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के. सो फर्स्ट यू टेल मी हाउ टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट, कैसे कैसे करते हैं. एक तो हेल्थ हो गया, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हुआ. नेक्स्ट मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स की कंपोनेंट बताता हूँ आप यहाँ पे, कि एमपीआई पढ़ाया था उसके कंपोनेंट्स निकाल देंगे. एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, लिटरेसी हो गया एटसेट्रा. सेकंड हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एंड हो गया खत्म, चला भी गया फर्स्ट पॉइंट में ही. नेक्स्ट खत्म. नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी, या सोशल सिक्योरिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर. नेक्स्ट नेक्स्ट तो पढ़ लो. फर्स्ट वी हैव इज एजुकेशन. सो एजुकेशन इज देयर, सो इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा फैक्ट भी पता होना चाहिए. कितना है एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का?
3.5% ऑफ जीडीपी देता है मोटा मोटी. हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में कितना है, हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर, ये सब पढ़ाऊंगा जब हेल्थ पॉलिसी पढ़ाऊंगा एटसेट्रा, कितना है हेल्थ पे एक्सपेंडिचर 2.5, वो तो टारगेट है. हाँ 1.5%, 2.5 इज टारगेट बाय 2025. वर्ल्ड एवरेज कितना होगा हेल्थ पे, 6%. या इज करेक्ट, 6% इज द वर्ल्ड एवरेज फॉर हेल्थ, हेल्थ वाले में. एंड व्हाट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो कितना है इंडिया में, कितना परसेंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा, 60%, 65-70% के आसपास में, अभी कम हो गया बट या. तो दिस इज व्हाट द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. वही तो प्रॉब्लम है दैट एजुकेशन में वी हैव ओनली 3.8% ऑफ द जीडीपी, वर्ल्ड करता है 5%. हेल्थ में वी स्पेंड 1.5%, वर्ल्ड करता है 6%. सो ऑब्वियसली डेवलपमेंट कैन नॉट बी इंक्लूसिव, बनेगा ही नहीं वो कभी इंक्लूसिव. हेल्थ न्यूट्रिशन बना, एजुकेशन बना, देन वी हैव द सोशल स्टेटस विच ऑल्सो डिटरमाइंस द ह्यूमन डेवलपमेंट इज देयर. व्हाट इज द इक्वालिटी, अभी रिपोर्ट आया था कि इंडिया में इनइक्वालिटी इज मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, टॉप 1% हैविंग 73%, और टॉप 1% में अंबानी, अंबानी 2.0, अंबानी 3.0, अंबानी 4.0, सब उसी का चल रहा है. देन वी हैव द जेंडर पैरिटी ऑल्सो, सो वी हैव 50% ऑफ द वर्क फोर्स इज वुमेन बट देयर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज ओनली 23%, अर्बन एरिया में तो बस 17%. सो आउट ऑफ 100 वुमेन ओनली 17 वुमेन आर वर्किंग, इट मीन्स डायरेक्ट लॉस ऑफ 50% ऑफ द लेबर फोर्स स्ट्रेट अवे. 50% पॉपुलेशन हैविंग ओनली 2% ऑफ द टोटल वेल्थ, बाकी सब पेट्रियार्की में है 98%. सो सोशल स्टेटस एंड देन द जेंडर पैरिटी डायमेंशन, देन वी हैव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. कितने हैं आजकल पार्लियामेंट में, सुना मैक्सिमम है इन इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड द फिगर इज 13% ओनली. वो एक एक्ट चला था ना, अमेंडमेंट एक्ट, जो सारी पार्टी सपोर्ट करती हैं, पास नहीं होता बस वो 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ईच एंड एवरी पार्टी इज सपोर्टिंग इट. इट्स लाइक इंडियाज मेंबरशिप इन UNSC, ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स दे आर सपोर्टिंग इट, बस पास नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा. सो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्लस, ये तो चलो इवन इफ इट पासेज, फॉर एग्जाम्पल इन लोकल बॉडीज दे हैव ऑलरेडी पास 33% वुमेन रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर, इको इको थोड़ी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, बता रहे थे आर्टिकल नंबर फॉर वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज अलग बताना है, म्यूनसिपैलिटी अलग बताना है, बता रहे, यू गाइज नो, आई नो, एनीबडी, प्लस माइनस 10-15 चलेगा, इतना पास पास का थोड़ा, स्टेट पीसीएस थोड़ी है देगा 242, 243, 244, 245, वो तो ऐसे ही देता है. 243 तो चला सारे ही हैं उसमें, 243D एंड 243T याद कराया होगा कभी, DTDC में है ना कुछ वुमेन रिजर्वेशन, DTDC की बसेज में होता है, याद कर लेंगे वहां से. 243D इज फॉर पंचायती राज, टी इज फॉर द म्युनिसिपैलिटीज वी हैव. सो कितना परसेंट है, ऑप्शन 1 33, ऑप्शन 2 50, ऑप्शन 3 बोथ, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव. ये 50 कब हुआ, वो तो स्टेट्स ने अलाउ कर रखा है, सम ऑफ द स्टेट्स दे इंक्रीज इट टू, बट कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैंडेटेड ओनली 33%. सम ऑफ द स्टेट्स लाइक बिहार एटसेट्रा ऑल दे इंक्रीज इट टू 50% एट देयर स्टेट लेवल, वो अलग है. एक्चुअल में देखा है क्या वुमेन रिजर्वेशन इन हाउ मेनी, इफ यू हैव सम रूरल बैकग्राउंड, व्हेन आई से रूरल बैकग्राउंड इट मींस एटलीस्ट स्पेंडेड सम 3-4 years आउट ऑफ योर टोटल लाइफ, 2-3-4 साल रहे हो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग गाँव के स्कूल में पढ़े हो बट ठीक है 2-3 साल तो रहे हो गए, ठीक है 2-3 तो हैं कम से कम, बाकी सब भुर्जुआ चल रहा है यहाँ, है सही है, वेरी गुड. एनीवेज वहाँ देखा है वुमेन पंचायत्स के केसेस में क्या होता है, वुमेन सरपंच होता है तो सरपंच पति न्यू कंसेप्ट आ गया, वो घोस्ट है वो पता नहीं कहाँ है, वो अभी भी, वो पहले भी खाना बनाते थे अभी भी खाना बना रहे हैं, जिस स्टैम्प उनका लग जाता है बस काम हो रहा है. सो इवन दो दे हैव द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अनलेस एंड अंटिल द सोसाइटी एक्सेप्ट इट, अनलेस एंड अंटिल द रियल एम्पावरमेंट टेक्स प्लेस, द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल. नेक्स्ट वी हैव इज सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर इशूज एटसेट्रा वी हैव. सो ह्यूमन डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर, ORN वाला इशूज चलेगा, NRN वाला, जहाँ भी स्टूडेंट फेटर्निटी रहता है वहाँ पे स्नैचिंग के केसेज अचानक से बढ़ जाते हैं, बिकॉज स्टूडेंट है परस्यू तो करेगा नहीं,
एक बार यहाँ पुलिस वाले के पास जाएगा, पुलिस वाला डरा देगा आपको, सर वहाँ कोर्ट में आना पड़ेगा। अबे छोड़ो यार, मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जाने दो कोई बात नहीं। क्योंकि घर पे फ़ोन करना ना, यही तो बोलना है कि फादर साहब को वो हो गया, गुम हो गया, वो बेटा आईफोन 11 ले लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। नेक्स्ट वी हैव इज द बेसिक इम्यूनिटीज आर नॉट देयर। बेसिक इम्यूनिटीज लाइक वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड ऑल। एंड लास्ट वी हैव इज द इनकम, द पर कैपिटा इनकम। सो दीज आर द वेरियस इंडिकेटर्स टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का। डिस्पाइट कंसिस्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट तो है 7%। टुडे ऑल्सो IMF सेड दैट इंडिया GDP ग्रोथ रेट इज फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। दैट हाई ग्रोथ रेट, इंडिया स्टिल गोज विद द लोवेस्ट इंडिकेटर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन का। सेकेंड, वी हैव एग्जामिन द इशूज दैट मेक्स द बैलेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा। एक तो बैलेंस्ड नहीं हो रहा, इट मीन्स रीजन वाइज सम ऑफ द रीजन आर हाईली प्रॉस्पेरस। दिल्ली की PCI देखोगे तो बहुत ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम, सौराष्ट्र एंड ऑल की देखोगे तो बहुत कम है विदर्भा रीजन्स की, नॉर्थ ईस्ट की एटसेट्रा। एंड सेकेंड है इंक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव इन द सेंस वेरियस सोशल क्लीवेजेस आर देयर, सोशल डिवाइड्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल, मेल PCI विल बी हाई, फीमेल PCI विल बी लेस, ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन एंड रूरल, ऑन द बेसिस ऑफ SC ST कास्ट बेसिस पे आ जाएगा, डिसेबिलिटी के बेसिस पे आ जाएगा, एज के बेसिस पे आ जाएगा एटसेट्रा ना। सो एट द वेरियस लेवल वी डोंट हैव द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये मैक्सिमम है, बाद में ही पढ़ाऊंगा। दैट दिस कॉजेज इज, फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कितना पैसा देगा गवर्नमेंट, फिस्कल स्पेस तो है ही नहीं, दे ऑलरेडी स्नैच द रिजर्व्स ऑफ RBI एंड ऑल। नेक्स्ट इज द गवर्नेंस डेफिसिट इज देयर एटसेट्रा एंड ऑल। अभी मोटा मोटी समझ में नहीं आएगा, बट या दीज आर द वेरियस कॉजेज ऑफ एलिजिव बैलेंस्ड एंड इनक्लूसिव ग्रोथ रेट इज देयर। ये क्या भाई, नेक्स्ट इज द पॉवर्टी। अच्छा ये सर्वे में QEP का है क्या, ये पुराना, हाँ QEP का है, पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू द इनक्लूसिव ग्रोथ रेट इज देयर। हाउ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू द इनक्लूसिव ग्रोथ रेट, दिस वॉज द क्वेश्चन। That there is a growing divergence in the relationship between poverty and hunger in India. इसको कहते हैं decoupling. Decoupling is something when one related entity is increasing and the second related entity is decreasing. For example, how to measure inflation? कैसे measure करते हैं? कुछ तो indicator होंगे ना जिससे inflation measure करते हैं। कौन कौन सा है? एक है CPI, Consumer Price Index, एक है WPI, एक PPI, परचेजिंग प्राइस इंडेक्स, वेरियस इंडिकेटर्स आर देयर। नाउ अज्यूम कि WPI तो इंक्रीज हो रहा होगा और CPI डिक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब टू डिपेंडेंट इंडिकेटर्स, बट वन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सेकंड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डीकपलिंग हो गया। टेक द केस ऑफ वर्ल्ड की GDP ग्रोथ इंक्रीज हो जाए और इंडिया की GDP ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब डीकपलिंग हो गया। द सेम इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी एंड हंगर। इसका मतलब पॉवर्टी तो डिक्रीज हो रहा है बट हंगर इंक्रीज हो रहा है। सो हाउ टू जस्टिफाई दिस थिंग? एक तो इंट्रोडक्शन में फैक्ट्स एंड फिगर लिख देंगे कि भैया देखो पॉवर्टी डिक्रीज हो गया है, वी हैव पॉवर्टी हैज बिकम ऑलमोस्ट हाफ इन लास्ट 15 ईयर्स। ये सब में चल जाता है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में फैक्ट डालना हो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ इसमें भी हो गया है इसके लिए। बट हंगर इंक्रीज हो गया है बिकॉज नाउ दे हैव इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ हंगर। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरह हो गया। अर्लियर फाइनेंशियल इंक्लूजन वॉज बींग रिगार्डेड एज एक बैंक में अकाउंट हो तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब उसको इंश्योरेंस भी चाहिए, अब उसको पेंशन भी चाहिए, अब उसको फाइनेंशियल ग्रीवियंस रिड्रेसल भी चाहिए, अब उसको क्रेडिट भी चाहिए, अब उसको सब कुछ चाहिए, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहोगे। और वी कैन से नाउ इट बिकम्स Article 21। पहले तो नॉर्मल Article 21 इज राइट टू लाइफ, अब लाइफ को सुप्रीम कोर्ट क्वान्टिफाई करता है कि लाइफ में आपको पोल्यूशन भी नहीं चाहिए, लाइफ में आपको वाटर भी चाहिए, लाइफ में आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, लाइफ में आपको पार्क भी चाहिए, लाइफ में आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। दिस इज वन कम्युनिस्ट एंगल, हिंदू एंगल आई एम टेलिंग यू। हंगर वाले में इंक्रीज हो गया है एंड पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड। ये हो गया फैक्ट एंड फिगर इंट्रोडक्शन के लिए। MPI, एज पर MPI द पॉवर्टी रेट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 55% टू 28% इन लास्ट 15 ईयर्स, प्लस MPI अमंग द जनरल हैंड ऑल्सो डिक्रीज। हंगर कैसे इंक्रीज हुआ? माल न्यूट्रिशन का परसेंटेज लगा लो, वुमेन में 23% एंड मेल में भी 20% के आसपास में है। ग्रॉस हंगर इंडेक्स शायद आज ही आया, वी आर बिलो बांग्लादेश, वी आर बिलो पाकिस्तान ऑल्सो, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर इंडेक्स मेजरमेंट में। थिंग्स विच आर नॉट कंड्यूसिव टू अस, उसमें थोड़ी मोदी साहब टैग करेंगे,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो 10 days तक कंटिन्यूअसली टैगिंग इंडियाज रैंक हैज इंप्रूव्ड, इसमें नहीं करेंगे. एनीवेज इसमें डेटा में गड़बड़ है, द वे दे आर मेजरिंग इट इज रॉन्ग गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव. एनीवेज सो GHI वी हैव इज 103 आउट ऑफ 119 से थोड़ा बहुत बस सूडान उड़ान से ऊपर है हम हल्के हल्के, साउथ सूडान वो भी शायद. देन वी हैव 38% चाइल्ड आर स्टंटेड वी हैव एंड इंडिया इवन बिहाइंड बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका एंड बस क्या श्रीलंका एंड व्हाट इज दिस म्यांमार. वाओ गुड मैन. कोई और है क्या नेबरिंग कंट्रीज जो रह गया हो? द वी आर बिहाइंड पाकिस्तान ऑल्सो, इसमें पाकिस्तान भी लिख लेना, वी आर बिहाइंड पाकिस्तान ऑल्सो. द GHI विच केम टूडे. एनी वेज दिस बिकम्स द डाइवर्जेंस. नाउ ये डाइवर्जेंस का है कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, सस्टेन रैपिड ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए, गवर्नेंस मॉडल्स क्या होने चाहिए हमारे एटसेट्रा एंड ऑल. सो वेन यू विल कवर द बेसिक देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड की वट एग्जैक्टली दिस एलियन लैंग्वेज इज. हाँ वो एक सोशल सेक्टर का क्वेश्चन था. द श्रिंकिंग ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज फोर्सिंग द पुअर टू स्पेंड मोर ऑन द नॉन फूड एसेंशियल आइटम्स स्क्वीजिंग देयर फूड बास्केट. इवन द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लेस ऑन द सोशल एक्सपेंडिचर इज फोर्सिंग द इंडिविजुअल्स टू स्पेंड मोर टूवर्ड्स द सोशल एक्सपेंडिचर विच इज डिक्रीजिंग देयर एक्सपेंडिचर ऑन द फूड एंड विच इज इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशन वाला इशू और द हंगर प्रॉब्लम इन इंडिया. सो यू जस्ट हैव टू टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर, तभी तो बताएंगे. इफ दे आर सेइंग दैट द श्रिंकिंग ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, यू जस्ट हैव टू टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर, क्या क्या है जिसमें उन्होंने इंक्रीज कर दिया. फैक्ट फिगर तो बाद में है बट एटली डायमेंशन तो पहले देखना पड़ेगा. सो टेल मी द डायमेंशन टू आई एम टेलिंग यू विच यू नोज, जो तुम्हें पता है वो UPSC के तो क्वेश्चन में दे देता है, ऐसा ही तो करता है. द बेसिक मिनिमम विच यू नो अबाउट द क्वेश्चन दे गेव इन क्वेश्चन इटसेल्फ, उसके बाद सॉल्व करो. सो टू आई एम टेलिंग यू, एक एजुकेशन एक हेल्थ. नाउ यू हैव टू टेल मी द 5 अदर थिंग्स ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर. आप बोलो. फ्यूल ट्रांसपोर्ट सोशल. तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, एक फिजिकल और एक सोशल. फिजिकल में 2 आता है, एक ट्रांसपोर्ट एक अदर्स. ट्रांसपोर्ट में रोड वोड एटसेट्रा एंड ऑल, और दूसरे वाले में अदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटी वगैरह एंड ऑल. अब सोशल बताना है बोलो. पाइप्ड वाटर कनेक्शन वी हैव, सैनिटेशन वी हैव एंड इंश्योरेंस. सोशल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा इंश्योरेंस एंड क्या LPG क्या हाँ तो उसको इसको कल्मिनेटेड करके बोलते हैं एम्पावरमेंट ऑफ SC ST OBC वुमेन. इसके लिए जो भी स्कीम्स आती हैं वो आता है सोशल एक्सपेंडिचर में एंड सॉरी लेबर लॉज. हाँ एम्पावरमेंट ऑफ द लोएस्ट स्ट्रेटा में जितना भी चलता है वो इसमें चलता है. सो वो लेबर लॉज में भी चल जाएगा एंड एक दो कुछ और चीजें भूल रहे हो अपने लेवल की. आपके लेवल मतलब फाइनेंशियल खूब इंक्लूडेड हो तो समथिंग विच रिलेटेड टू यूथ सिटिंग इन द मोस्ट कॉस्टली 2 किलोमीटर का रेंज इन इंडिया बाय रेंट फॉर स्टूडेंट्स इज ORN. बाकी कहीं थोड़ी मिलेगा 15,000-20,000 का रेंट, पेइंग कैपेसिटी नहीं है. एनीवेज यूथ नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंडिचर ऑन द यूथ, एक्सपेंडिचर ऑन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्पोर्ट्स सर्विसेज एटसेट्रा एंड ऑल. इसको एक बार क्रैम कर लेंगे कि दीज आर द वेरियस इंडिकेटर्स. फर्स्ट वी हैव इज एजुकेशन, बोथ जनरल एजुकेशन देन द टेक्निकल एजुकेशन वी हैव देन हेल्थ. हेल्थ पे दोनों पे, एक तो मेडिकल पे इट मीन्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मेडिसिन एटसेट्रा एंड ऑल एंड नेक्स्ट वी हैव इज द इन जनरल पब्लिक हेल्थ OPD एंड ऑल जो आता है उसमें. नेक्स्ट वी हैव इज स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज. नेक्स्ट वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इसीलिए वो अफोर्डेबल हाउसिंग एटसेट्रा एंड ऑल सोशल एक्सपेंडिचर में आता है. एंड लास्ट वी हैव इज न्यूट्रिशन पे, नेचुरल कैलामिटीज पे, वेलफेयर ऑफ SC ST OBC वुमेन, ऑल द वल्नरेबल सेक्शंस पे जो एक्सपेंडिचर होता है. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल एक्सपेंडिचर. डायग्राम बनाएंगे 3 मार्क्स आएंगे. सो वंस वी विल रिमेंबर फिजिकल के क्या कंपोनेंट हैं, सोशल के क्या कंपोनेंट हैं, वी विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ठीक है देन वी हैव इज इन्यूमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस
which have been subsumed in GST? Straight away question. Direct taxes क्या होता है, indirect taxes क्या होता है, कौन कौन से indirect taxes subsume हो गए हैं. And then we have also comment on the revenue implication of GST. यहाँ पे facts चाहिए होंगे कि once GST came, उसका impact states पे क्या पड़ा, उसका impact central government पे क्या पड़ा, etc. उसका impact center state relation पे क्या पड़ा, उसका impact on the fiscal space of the center पे क्या पड़ा, and all. So these are some of the direct away question. Then we have, do you agree with the view that steady GDP growth rate and no inflation have left the Indian economy in good shape? ये discuss कर लिया था starting में. Then we have the public expenditure management is a challenge to the government of India in context of the budget making during the post-liberalization period. After LPG of 1991, now budget making has become difficult. True है? पहले तो budget making simple था. Because government का expenditure simple था. Because governance जो था, governance क्या होता है? Governance में multiple players होते हैं. Government is only when individual player is giving you the services. Is government. Governance is when you have multiple players. NGO भी कुछ service दे रहा है आपको, civil society कुछ service दे रहा है, local bodies कुछ service दे रहे हैं, state government कुछ दे रहा है, central government कुछ दे रहा है, citizen अपने आप में कुछ committees बना के दे रहे हैं. Is known as the governance. अब तो governance complex हो गया है. It means now the government का budget making becomes complex. इसीलिए they set up FRBM Act, which failed, which forced government to amend it multiple times. They came up, they were forced to set up the NK Singh committee. Fiscal management के लिए increase हो गया. Then off budget expenditure कुछ concept होता है पढ़ाऊँगा. उसके लिए increase करके आ गए. It means now after LPG the budget making process has become complex. Clarify करना है इसका मतलब. Example and example you have to quote. This is one. Then we have what are the reformative steps taken by the government to make the food grain distribution system more effective. Pre mein pucha tha, PDS, mains mein puch liya, directly PDS ko more clarify kaise karna. Anyways, ye GDP wala jo question tha na, do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation? Iska matlab you should remember, jo last year maine static mein padhaya tha, it means you should understand the relationship between GDP growth rate and inflation. वो लास्ट ईयर पढ़ाया था हमने दैट इन्फ्लेशन का रिसेंट ट्रेंड्स में 2008 से पहले क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 9% था, इन्फ्लेशन वाज लेस, एफडीआई अच्छा था, बैंक क्रेडिट अच्छा था, 8 टू 12 में क्या हुआ, 12 टू 14 में क्या हुआ एंड 14 ऑनवर्ड्स में क्या हुआ. सो विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड इन्फ्लेशन. सो सच टाइप ऑफ डायग्राम वी कैन ड्रॉ इन द एग्जाम इन द introduction capital, how they are related to FDI, how they are related to the outflow of capital, depreciation of currency se kaise related hai, etc. So this was the diagram which we discussed last year. Also in this particular question, when they are saying that do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape, ab aapko challenges bhi to batane hai, that although the GDP growth rate was high and inflation was less, but now there are some challenges to both GDP and there are some challenges to inflation also. So to inflation, what all are the challenges which we are facing? This also we discussed at the present day risk kya kya hai. So first we have oil prices increase ho raha hai. Then we have depreciation of rupee ho raha hai. CAD increase ho raha hai. Monsoon shock hai. Is saal mein bhi aaya hai. Quantitative tightening by the developed countries ho raha hai. Flight of capital and all. So these are the challenges also which you need to focus upon. Anyways, this we discussed last year. उसी को use करना पड़ेगा आपको next उसमें. In the questions may not be directly, but the purpose is we should have enough dimensions so that in the exam we can customize these points and use it. इसी साल के लिए तो हुआ है, first quarter के लिए हुआ है बस. So 2.5 था तो 2 हो गया शायद वो वापस है, but 2 तक ही ठीक है बस. The moment CAD is more than 2%, it shows that vulnerability of it is regarded as the vulnerable macroeconomic indicator. Then we focus, I focus more towards the 3-hour strategy, more read, focus extra padhaunga, bahut padhaunga. That is true, I will not give you ki ek magic wand de diya, bas beta itna sab padh lo, usse kaam ho jayega, aisa nahi hone wala hai. Bahut sara homework dunga aur bahut sara padhaunga, simple sa question hai. So you have to read a lot. We need to focus upon more and more retention and more recallability in the exam. So we'll focus upon understanding the basic concepts. Wo class mein samajh lenge. You already have paid the fees. So jab tak samajh mein nahi aaye, don't allow me to leave the class. Or maybe outside the class also we can discuss. But yes, paper aapne khud dena hai. I'm not going to help you out in the exam hall. Neither he is going to help him in the exam hall. Individual paper dena hai, toh individual understanding karna padega. Nahi toh phir, we will change our target. यूपीएससी तो पढ़ ही लिया है, बैंक पीओ पास हो जाएगा, नहीं होगा. यूपीएससी तो 10 लाख देते हैं, बैंक पीओ 60 लाख देते हैं, एसएससी 40 लाख देते हैं, होगा ही नहीं. मैथमेटिक्स सिंपल सेज नहीं होने वाला है भाई.
एंड तुम्हारा क्वांट इज सो सिंपल इन कंपैरिजन टू एसएससी और बैंक पीओ वाला. वहां पे द कैंडिडेट्स थ्रू आउट द ईयर दे आर ओनली क्रैमिंग शॉर्ट लिस्टिंग. राकेश यादव, ये यादव, वो यादव, वही तो कर रहे हैं वो सब. एक्रोनी पढ़ाया और सब कुछ कर लिया. यूपीएससी नहीं हुआ तो कुछ नहीं होना, स्टेट पीसीएस हो सकता है बस. एसएससी और बैंक पीओ तो नहीं होने वाला है, कोई ग्रेड बी सर्विस नहीं होगा बिकॉज वहां कॉम्पिटिशन इससे बहुत ज्यादा है. द ओनली एग्जाम विच यू कैन क्लियर इज इधर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, बस फॉर यू गाइज. देन वी हैव एप्लीकेशन ऑफ दीज बेसिक कंसेप्ट एंड इंटीग्रेशन विद द कंटेम्प्रेरी. ये वाला विल हेल्प यू मीन्स टू फेच एक्स्ट्रा वन मार्क्स इन द क्वेश्चन. एंड दिस वन एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट विल हेल्प यू टू नेगेट वाला थिंग दैट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन आता है और थर्ड ऑप्शन को कैसे क्रॉस करना है. ठीक है, द फर्स्ट आई वेंट टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग दैट द फ्लो ऑफ द क्लास विल बी लाइक वॉट. सो फर्स्ट वी हैव इज वेन इट इज स्टार्टिंग 21st से ना. So from 21st to probably second week of December, we will cover the static topics. जो अभी handout मिला है ना उसमें जो pre वाले topics हैं वो static topics finish करा देंगे हम. ठीक है, then in the second week of February, we are going to cover eco survey and budget of not only this year. I'll try to integrate the basic or important concepts of previous 3-4 years also. So we will cover in some 5-6 classes mein economic survey and budget. There will be directly only one question from economic survey and max to max one question from budget. But there are a lot of indirect questions because it gives you the focus of the government is. So last year incremental capital output ratio aaya tha na, kahan se derive hua? Investment se. इन्वेस्टमेंट कहां से आया? व्हेन दे डेडिकेटेड फुल वन चैप्टर ऑन द इन्वेस्टमेंट. दैट इज व्हाई दे आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. टू क्वेश्चंस दे आस्क डायरेक्टली फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे. सो वी विल कवर दिस एंड देन वी हैव इन द मंथ ऑफ मार्च प्रोबेबली थर्ड और फोर्थ वीक वी विल कवर द करंट अफेयर्स वाला टॉपिक. दिस इज फॉर प्री. देन आफ्टर प्री विल रिज्यूम आवर क्लासेस फ्रॉम जुलाई. सो जुलाई में करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी. रफली 10-11 क्लासेस करेंगे करंट अफेयर्स की. एंड देन वी हैव जुलाई में ही आफ्टर फिनिशिंग दिस वी हैव स्टैटिक टॉपिक्स की क्लासेस करेंगे. प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म्स एटसेट्रा एंड ऑल वी हैव. इसकी 3-5 क्लासेस करेंगे बस. 4-5 मैक्स क्लासेस विल बी देयर. दिस विल बी द फ्लो ऑफ द क्लास फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस. अच्छा, ये लिखा ही है. ठीक है, बस हो गया. सो वी गॉट GS3 का हाईएस्ट रैंकर एंड सेकेंड हाईएस्ट रैंकर बोथ फ्रॉम आर क्लास ऋषभ एंड गरिमा. ठीक है, देन सी यू गाइज ऑन 21st.